Hi फ्रेंड्स दिस is कॉस्टिंग पेपर ऑफ November 2022 अभी ये वाला पेपर लाइक ऑलवेज नॉट टू बी ट्राइंग टू बोस्ट अराउंड लेकिन एक एक क्वेश्चन जो था हमारी बुक के अंदर से था ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था दैट द स्टूडेंट्स कुड नॉट है अगर थियरी नहीं भी किया है पूरा का पूरा जो प्रैक्टिकल पेपर था स्ट्रेट फॉर्वर्ड पिकडअप फ्रॉम आर बुक ऑब्वियसली आफ्टर चेंजिंग द नंबर्स आई गोट लॉर्ड ऑफ मैसेजेस फ्रॉम द स्टेंट सर कैन बीव द फाइनल आंसर सो आई थॉट इन स्टेट ऑफ द फाइनल आई ट्राई टू डिस्कस द एंटायर पेपर आई ट्राई टू सोल्व इट तो जिन लोग का एग्जाम फ्यूचर के अंदर है यू कैन टेक दिस क्वेश्चन पेपर एंड यू कैन ट्राई टू सोल्व इट योर सेल्स इन देन मैच योर आंसर्स अगर आप लोगों ने सोल्व कर लिया है देन यू कैन जस्ट ट्राई टू मैच अप योर आंसर कट टू कोई ना कोई ऐसा होगा जो शायद सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि दोस्त गैस गिवन देर एग्जाम और उनको सिर्फ आंसर चाहिए कि भाई मेरा आंसर करेक्ट था कि नहीं सो इन वन मिनट आई एम बी टेलिंग यू ऑल दी आंसर्स क्वेश्चन नंबर वन ए के ये दोनों आंसर वो होने चाहिए टू लैक्स एंड रुपीज़ वन ट्वेंटी फाइव पार्ट बी का आंसर रुपीज़ फाइव हंड्रेड थ्री सेवेंटी सिक्स लोन एप्लीकेशन फिर आपके जो पार्ट सी का आंसर थ्री थाउजेंड वॉल्स ट्वेल्व डेज फोर्टीन फोर फिफ्टी वॉल्स विल बी योर रीऑर्डर पॉइंट

पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर टू सेवन ट्वेंटी नाइन हंड्रेड एट वन जीरो एट सिक्सटी फोर हेल्थ से रेकमेंड करेंगे क्योंकि उधर कॉस्ट कम होता है और सम को कॉस्ट कम ही चाहिए था ठीक है फिर उसके बाद पार्ट बी के अंदर ये एक्टिविटी बेस्ट कॉस्टिंग का था जो टोटल कॉस्ट हर प्रोडक्ट का वो इतना है जो इंडिविजुअल कॉस्ट है आफ्टर डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इतना आना चाहिए ठीक है कैन कीप ऑन राइटिंग दैट बी फार बेटर फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का था जो प्रॉफिट है वो इतना और इतना आना चाहिए एक है इस साल का प्रॉफिट और एक जो है वो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है फिर उसके बाद प्रोसेस वाला जो क्वेश्चन था वहां पर हंड्रेड एंड वन फोर्टी फोर दिस शुड बी योर नॉर्मल कॉस्ट फॉर द फर्स्ट टू प्रोसेस लास्ट के अंदर तुम्हारा कॉस्ट तो वन फॉर्टी फोर ही रहेगा लेकिन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन को का था जो तुम्हारे रैंक्स आते हैं तीन क्रॉप्स के देंड फर्स्ट एंड थर्ड उसके हिसाब से इतना इतना एरिया डिवोट होना चाहिए हर क्रॉप के लिए एंड दिसएस्ट प्रॉफिट होगा Uh, फिर उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन था दिस वॉज ऑन अ कॉस्ट शीट ये तुम्हारा कॉस्ट पर यूनिट है ये तुम्हारा सीओ जी एस ये तुम्हारा कॉस्ट ऑफ सेल्स है ये तुम्हारा प्रॉफिट पर यूनिट है ये तुम्हारा टोटल प्रॉफिट है फिर उसके बाद तुम्हारा जो वराइंज वाला जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग था ये टोटल मटेरियल कॉस्ट वराइंस प्राइस वराइंस यूसेज वरायंस दिस इज योर यील्ड वराइंस फिर उसके बाद यूर रिकलेन क्या तुमको कॉस्टिंग प्रॉफिट यू वांटेड एज अ बैलेंसिंग फिगर वन लाख फोर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड ट्वेंटी एंड लास्टली जॉइंट प्रोडक्ट्स बाय प्रोडक्ट्स के अंदर फर्स्ट पार्ट के ना दर इज लॉस ऑफ फिफ्टी थाउजेंड सेकेंड पार्ट के अंदर द सेलिंग प्राइस शुड बी रुपी सिक्सटी ओके सो यू अटेंडेड द प्रैक्टिकल पार्ट ओके सो दी शुड बी योर आंसर्स नाउ लेट्स कंटिन्यू सॉल्व इट इन नॉर्मल वे इन एनी केस मैंने एक और चीज जो किया है मैंने पूरा का पूरा एक फुल फ्लेज सोल्यूशन भी बना दिया है जहां पर मैंने शुरू के अंदर हर क्वेश्चन के अंदर लिखा भी हुआ है कि ये वाला क्वेश्चन हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर वो किधर है फ्रॉम लास्ट ट्वेंटी इंस्टीट्यूट जो कॉस्टिंग के अंदर हर साल न्यू बुक्स लॉन्च करता है बिकॉज फ्यू थिंग्स चेंज एंड एवर द थिंग्स चेंज इट इज आर ड्यूटी दैट इन आर न्यू बुक इट ऑल्सो गेट्स इनकॉर्पोरेटेड सो दे फोर इन योर बुक्स वी ट्राई टू हैव द समरी ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन वी ट्राई टू गिव यू ऑल द रैंकिंग्स

चैप्टर नंबर वन जो थियरी था वो आया चैप्टर नंबर टू मटेरियल कॉस्टिंग वो आया फिर लेबर कॉस्टिंग आया फोर्थ हाउस ओवरहेज वो आया फिफ्थ जो था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वो आया सिक्स जो था जो कॉशी था वो भी आ गया कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम चैप्टर नंबर सेवन रिकन्सिलेशन भी आ गया चैप्टर नंबर एट बैच कॉस्टिंग किधर ना किधर वो क्वेश्चन नंबर वन के पार्ट ए के अंदर आया क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर नाइन जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है वो भी आया प्रोसेस कॉस्टिंग भी आया जॉइंट प्रोडक्ट्स बाय प्रोडक्ट्स भी आया फिर उसके बाद ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ओवरहेड के साथ मिक्स करके एक क्वेश्चन आई गया उसके बाद जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो आया फिर मार्जिनल कॉस्टिंग है वो आया एक टॉपिक जो शायद वो छूट गया दैट वाज चैप्टर नंबर 15 दैट वाज बजटरी कंट्रोल दैट वाज अ ओनली थिंग दैट हैज कम एज सच ओके बट सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर किसी स्टूडेंट ने अच्छे तरीके से पढ़ाई किया रहेगा यू शुड बी एबल टू गेट मोर देन नाइन्टी फाइव इन योर एंटायर कॉस्टिंग पेपर एज अ सेम क्लास ऑल्सो कॉस्टिंग इज वन सब्जेक्ट इन विच यू कैन बी एमिंग फॉर नाइन्टी फाइव प्लस क्वाइट ईजीली इसलिए हम लोग आप लोग को क्लास के अंदर और जो लोग वर्चुअल लेक्चर्स लेते हैं तो उनके लिए भी वी ट्राई टू हैव अ टेस्ट सीरीज वेयर बाई यू गेव ऑल द पेपर्स यू ऑल सेंड दम बैक टू अर सो देर इज सम कॉन्फिडेंस दैट होमवर्क सेक्शन जहां पर यू ट्राई टू अटेंड द क्वेश्चन वहां पे टाइम भी लिखा जाता है इतने टाइम के अंदर आपका होमवर्क सेक्शन कंप्लीट हो होना चाहिए सो लेट्स नॉट वेस्ट फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर वन इज कंपल्सरी एंड बाकी पांच क्वेश्चन से यू हैव टू बी डूइंग एनी फोर लास्ट क्वेश्चन हमेशा थेरी ही होता है दैट आई वुड नॉट लाइक टू डिस्कस दैट विल बी देर इन दीडीएफ दैट विल बी देर ओके बट ऑल अदर क्वेश्चन वी वुड लाइक टू बॉल्विंग अभी मैंने ऑलरेडी सोल्यूशन प्रिपेयर कर दिया है सो फ्यू थिंग्स आई विल एक्सप्लेनिंग एंड देन आई ट्राई टू रेफर टू माई पी डी एफ दैट आई हैव मेड अ सर्च ओके तो लेट स्टार्ट चलिए क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन कंपलसरी क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमेशा फोर पार्ट्स होते हैं एवरी क्वेश्चन इज गुट बी देयर ऑफ फाइव मार्क्स फाइव इन टू फोर ट्वेंटी आंसर द फॉलोइंग ए लिमिटेड इज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी ओके विच प्रोड्यूस वैक्सीन्स फॉर डिजीजेस लाइक मंकी पॉक्स देन कोविड नाइनटीन एंड चिकन पॉक्स अ डिस्ट्रीब्यूटर है कंपनी कैन प्रोड्यूस एटी वैक्सीन एट अ टाइम तो एक बार में एटी वैक्सीन ही बन सकते हैं अपने को जो ऑर्डर मिला है सिक्सटीन हंड्रेड का है ठीक है टू प्रोसेस अ बैच ऑफ एटी मंकी पॉक्स वैक्सीन एटी मंकीपॉक्स वैक्सीन मतलब वन बैच फॉलोइंग कॉस्ट वुड हैव टू बी इनकर्ड ओके डायरेक्ट मटेरियल फोर टू फाइव जीरो उसके बाद डायरेक्ट वेजेस फाइव हंड्रेड लेबर सेटअप कॉस्ट फोर्टीन हंड्रेड सेटअप कॉस्ट क्या होता है बिफोर वी विल डू द प्रोडक्शन अपने को मशीन वगैरह को सेटअप करना पड़ेगा यह वो वाला कॉस्ट है प्रोडक्शन ओवर एज आर एब्सॉर्ब एट ट्वेंटी परसेंट ऑफ डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट वेजेस तो इधर ही दिया हुआ है एंड ट्वेंटी परसेंट ऑफ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इज चार्ज इन बैच फॉर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन ओवरहेज ठीक है तो डायरेक्ट वेजेस का 20 परसेंट प्रोडक्शन ओवरहेज वो हो जाएगा जितना भी आपका टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है उसका 20 परसेंट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन ओके कंपनी इज विलिंग टू ऑन ट्वेंटी परसेंट सॉरी ऑन सेल्स एक सेकेंड ट्वेंटी मतलब वन फोर्थ ऑफ सेल्स बेटा ऑफ ऑफ सेल्स विल बी कॉस्ट क्योंकि अपने पास कॉस्ट आएगा अपने पास सेल्स नहीं आएगा तो इसलिए अपने को उसको कॉस्ट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा यू आर रिक्वायर्ड टू डिटर्मिन टोटल सेल्स वैल्यू फॉर 1600 हंड्रेड मंकी पॉक्स वैक्सीन ओके सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ द वैक्सीन क्वाइट इजी क्वेश्चन सुनो सारे कॉस्ट इकट्ठे करेंगे अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे अपने को सेल्स वैल्यू मिल जाएगा दो ऑप्शन आपको देता हूं मैंने एक किया है अगर आप लोगों ने दूसरा भी किया रहेगा फाइनल आंसर भी सेम होगी मैंने कॉस्ट शीट बनाया है फॉर वन बैच ओके वन बैच मतलब 80 एट टाइम यू हैव मेड द फॉर 1600 ऑल्सो कोई फर्क नहीं पड़ेगा एवरी आंसर विल बिकम 20 टाइम्स ओके okay, लेकिन फाइनल आंसर अपना सेम ही रहेगा मैंने क्या किया एक बैच के लिए आंसर निकाला फिर उसके बाद उसको यहां पे बैचेस नंबर ऑफ बैचेस से मल्टीप्लाई वो कर दिया अपना क्या लीजिए सिक्सटीन डिवाइडेड बाई एटी कीजिए पहले सिक्सटीन डिवाइडेड बाई एटी तो अपने को ट्वेंटी बैचेस प्रोड्यूस करने पड़ेंगे ठीक है मैं कॉस्ट बनाया फॉर वन सिंगल बैच आई हैव मेड द कॉस्ट फॉर वन सिंगल बैच ठीक है तो मैंने क्या किया है अह ध्यान से वो देखना जस्ट ट्राई टू गैदर ऑल योर कॉस्ट नो एज सच ओके तो सुनो ऑल योर कॉस्ट के अंदर तो सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट में लूंगा कितने का 4250 उसके बाद डायरेक्ट वेजेस 500 उसके बाद लेबर सेटअप कॉस्ट जो है दैट इज 1400 प्रोडक्शन ओवरेज विल बी ट्वेंटी परसेंट ऑफ डायरेक्ट वेजेस ठीक है सो दे इन तीनों के अलावा कॉस्ट शीट के अंदर आप लोग प्रोडक्शन ओवरेज भी डाल देना ट्वेंटी परसेंट ऑफ डायरेक्ट वेजेस मतलब फाइव हंड्रेड का ट्वेंटी वर्कआउट बेटा हंड्रेड दिस 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 एंड दिस यू विल बी एडिंग आप लोगों को यहां पर क्या मिल जाएगा अपना प्रोडक्शन कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट का ट्वेंटी परसेंट विल बी एडमिन एंड एस टोटल कॉस्ट मिल जाएगा टोटल कॉस्ट के अंदर आप लोगों को प्रॉफिट ऐड करना है तो जब आप लोग प्रॉफिट ऐड करोगे इट इज वन फोर्थ ऑफ सेल्स और वन थर्ड ऑफ कॉस्ट ये करके आप लोग को यहां पर सेल्स जो है वो मिल जाएगा दैर इज वट एवर आई मस्ट डन इन माइ एंटर आंसर तो यहां पर नंबर ऑफ बैचेसटीन हंड्रेड अपॉन एटी देर इज ट्वेंटी बैचेस कॉशीट फॉर वन बैच ऑफ एटी यूनिट्स ऑल्टरनेटली आप लोग सिक्सटीन हंड्रेड के लिए भी बना सकते थे ठीक है मटीरियल कॉस्ट डायरेक्ट वेजेस लेबर सेटअप कॉस्ट प्रोडक्शन ओवर एज सबको एडअप किया सिक्स टू फाइव जीरो टू बी योर

उसको आप लोग 1600 से डिवाइड वो कर लो तो कैलसी ले लो 2 लैक्स डिवाइडेड बाय 1600 ट विल गिव यू वन ट्वेंटी फाइव वर्ना आपका जो सेलिंग प्राइस है अगर आप अपनी एक कौशी से भी निकालोगे तो भी सेम ही आने वाला है ओके सो देस्ट क्वेश्चन क्वाइट मैनेजेबल बस अपने को सारी कॉस्ट को एड ही करना था गिफ्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट वॉज दिस क्वेश्चन ओके चलिए सो दिस इज इन दिस केस यूर फर्स्ट आंसर ठीक है फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं स्लाइटली क्विक

वाला हमारी बुक के अंदर इट वॉज देर सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी चैप्टर नंबर टू के अंदर था वहां पर भी सेटअप कॉस्ट इन ऑल दीज कॉस्ट ऑफ कम ओके चलिए तो अभी आगे चलते हैं दिस इज क्वेश्चन नंबर वन बट पार्ट बी ऑफ दैट लेट स्टार्ट एबीसी ब्रांच विच इज एंगेज इन प्रोसेसिंग ऑफ व्हीकल लोन एंड एजुकेशन लोन ओके

ब्रांच इज हैविंग फोर एम्प्लॉइज एट अ मंथली सैलरी ऑफ फिफ्टी थाउजेंड ई एक्सक्लूसिवली फॉर प्रोसेसिंग वहीकल लोन एप्लीकेशन तो व्हीकल लोन के लिए बेटा उनके पास चार एम्प्लॉइज हैं मंथली सैलरी ऑफ फिफ्टी थाउजेंड ओके एंड टू एम्प्लॉयज एट मंथली सैलरी ऑफ सेवेंटी थाउजेंड ई ठीक है तो फोर okay. so, को सर्कल कर रहा हूं और टू को सर्कल कर रहा हूं एक्सक्लूसिवली फॉर एजुकेशन लोन तो प्रोसेसिंग जो वहीकल लोन है उसके लिए चार एम्प्लॉयज हैं और जो प्रोसेसिंग जो, जो कौन सा वाला लोन है जो एजुकेशन लोन है उसके लिए यहां पे अपने पास दो एम्प्लॉयज हैं ठीक है आगे इन एडिशन टू अब फॉलोइंग एक्सपेंसिस आर इनकर्ड बाय द ब्रांच ब्रांच मैनेजर अच्छा ये ध्यान से पे लिख देना overheads. उन लोगों ने ऊपर वो बोला था ना यार दीज आर एक्सपेंसिस बाय द ब्रांच दीज आर नॉट एस्पेश फॉर द व्हीकल लोन और एजुकेशन लोन नो नो ये जनरल एक्सपेंसिस है ब्रांच के जनरल एक्सपेंसिस मतलब overheads ही होता है ब्रांच मैनेजर हुपरवाइज ऑल दिटीज होता है नाइन्टी थाउजेंड पर मंथ आपको सेग्रीगेट करने की कोई जरूरत नहीं है फिक्स या वेरिएबल आईव टेकन पेपर द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम समबडी दे हैड रिकॉर्डेड दिस ठीक है तो इसलिए यह वाली चीज है प्लीज आप लोग इग्नोर कर लेना आगे लीगल चार्जेस प्रिंटिंग

व्हीकल लोन के लिए जब एप्लीकेशन आती है आप उसके लिए कॉस्ट निकाल के दो पर एप्लीकेशन ठीक है ये हो गया फर्स्ट अज्यूमिंग इतनी एप्लीकेशन आती है पर मंथ ठीक है फाइंड आउट द नंबर ऑफ एजुकेशन लोन एप्लीकेशन प्रोसेस इफ द टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट पर एजुकेशन लोन इज सेम एज व्हीकल लोन एप्लीकेशन एज कंप्यूटेड इन वन अब ये और ये थोड़ा सा उल्टा है देखो यहां पर ना आप लोगों को क्या बोला है कॉस्ट पर लोन निकालो ठीक है एक बार कॉस्ट पर लोन मिल जाएगा बोलो क्या बोलता है जो भी कॉस्ट पर लोन आएगा ना अज्यूम करना कि एजुकेशन लोन के लिए भी ना उतना ही कॉस्ट लगता है पर लोन और अभी आप लोग यहां पे नंबर ऑफ लोन्स निकाल देना यहां पे नंबर ऑफ लोन्स दिया हुआ था अपने को निकालने का था यहां है? Okay? कि है, है सुन मेरा दिमाग कैसे काम करता है मेरा दिमाग ऐसे काम करना चाहिए कैसे देखो अगर अपने को कॉस्ट निकालना है तो अपने को यहां पे कॉस्ट इंक्लूड कर देना चाहिए कौन से कौन से कॉस्ट हैं इस क्वेश्चन के देखो यहां पर आप लोगों को ना डायरेक्ट कॉस्ट दिया हुआ है यहां पर जो है ये डायरेक्ट कॉस्ट है व्हीकल लोन एप्लीकेशन के लिए अपने पास चार लोग हैं जो स्पेसिफिकली एम्प्लॉयड हैं दीज आर काइंड ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट ओवर हियर ठीक है इसके अलावा जो भी ओवरहेड्स हैं तो दो हजार गिवेट डी हो गई लेकिन याद रखना ओवरहेड्स आर नॉट इनकर्ड स्पेशली फॉर दिस और दिस स्पेशली द स्पेशलीवरहेड्स आर इनकर्ड फॉर द इंटायर कंपनी ओनली लेकिन उसका थर्टी विल बी कमिंग ओवर हियर दैट्स वी आर अबाउट टू बी हो ठीक है तो सुनिए मेरी बात

सो देअोर इन दिस केस फिफ्टी थाउजेंड इंटू फोर तो ये आ गया टू लाख रुपीज फॉर व्हीकल ठीक है उसके बाद सारे के सारे ओवरहेड्स बेटा जो सारे के सारे जो ओवरहेड्स थे इन दिस केस वो जरा देखो आ... ब्रांच मैनेजर को नाइन्टी थाउजेंड पीस पे कर रहे हैं थर्टी थाउजेंड ट्वेल्व थाउजेंड एटीन थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड ये सबको के ऊपर ऐड करोगे ना नाइन्टी प्लस थर्टी वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी प्लस ट्वेल्व प्लस एटीन वन फिफ्टी वन सिक्सटी आ जाएगा और ऊपर यहाँ पर अपने को दिया हुआ था कि वहीकल लोन डिपार्टमेंट और एजु, और एजुकेशन लोन डिपार्टमेंट के लिए थर्टी थर्टी परसेंट जो है वो कॉस्ट लगता है सुदेफोर so मैंने आंसर के अंदर भी एक्जैक्टली exactly वही वाला काम किया क्या नाइन्टी थर्टी ट्वेल्व

कि एजुकेशन लोन के लिए भी एग्जैक्टली सेम चीज ही होता है एजुकेशन लोन के लिए भी एग्जैक्टली सेम चीज ही होता है अगर सेम चीज ही होता है तो फिर एक काम जरा करते हैं इन दिस केस यहां पे मैंने ये वाला 500 किधर ना किधर नीचे कॉपी पेस्ट किया रहेगा ठीक है लेकिन अभी कॉस्ट जो है बेटा वो आप एजुकेशन लोन का लो अब जरा देखो एजुकेशन लोन का जो कॉस्ट था यहां पर कितने एम्प्लॉयज थे टू एम्प्लॉइज कमांडिंग सैलरी ऑफ सेवेंटी थाउजेंड इच तो मैंने यहाँ पे फिर से ना कॉस्टशीट बनाना स्टार्ट कर दिया सेवेंटी थाउजेंड इंटू टू जो है वन लाख फोर्टी प्लस उसके बाद जो ओवरहेड्स थे ना इन दिस केस वो फोर्टी एट थाउजेंड रुपीज के थे मैंने यहाँ पे वो नहीं लिखे लेकिन वो टोटल के अंदर डाला मैंने ठीक है सो फोर्टी एट थाउजेंड वन लाख फोर्टी प्लस फोर्टी एट बिल मी कितना वन लाख एटी एट इतना अपना कॉस्ट लगता है पर मंथ और उन लोगों ने क्या बोला कि कॉस्ट पर लोन तुम्हारा सेम ही है एज अ वहीकल इतना आंसर पार्ट टू का होना चाहिए था अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एवरीथिंग डायरेक्टली यहां पे दिमाग वाली कोई बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत वो नहीं थी ये वाला जो क्वेश्चन था हम लोगों ने ऐसा ही क्वेश्चन ना ओवरहेड्स के चैप्टर के अंदर वो किया हुआ जहां पर इन दिस केस ना वहां पे एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी और वो लोगों ने एक प्रोजेक्ट वगैरह बोलिया था सो दिस वाज अ क्वेश्चन विथ सिमिलर टू दैट और ऐसा एक थोड़ा सा एक मिलता जुलता क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर ट्वेल्व के अंदर भी था अबाउट दी लोन एप्लीकेशन ओके चल आ, ये हो गया आपका पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन ठीक है पार्ट सी चल पढ़ते हैं ये जो पार्ट सी था ये मटेरियल कॉस्टिंग वाला क्वेश्चन था बी द फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग ई क्यू वाला करते हैं प्लस द रिऑर्डर लेवल ऑल्सो एम एम लिमिटेड यूजेज सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड वॉल्व पर मंथ विच इज परचेज एट अ प्राइस ऑफ वन पॉइंट फाइव पर यूनिट अगर थोड़ा सा सिंबल्स गिनाऊं तो दिस इज कॉल्ड एज ए ए को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं ए इज द नंबर ऑफ यूनिट टू बी परचेज वन ईयर ये पर मंथ दिया हुआ है तो अपने इंटू ट्वेल्व करना पड़ेगा सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इंटू ट्वेल्वी थाउजेंड वॉल्स को पूरे साल की जरूरत पड़ेगी विच इजेज इज नाथिंग बट सी पी यू कैरिंग ओके ऑन एन्य वाला जो चीज है ना कैरिंग कॉस्ट दिस इज नाथिंग बट सी आई ओवर इट ट्वेंटी परसेंट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री ऑन एनुअल बेसिस सी आई का फॉर्मूला क्या रहता है इट इज सी पी यू इंटू आई ओके और उसके बाद टी सी आई कैसे कंप्यूट होता है क्यू बाई टू इंटू सी आई वेर बाई क्यू बाई टू इज एवरेज इन्वेंट्री तो हम लोग वैसे भी कैरिंग कॉस्ट ऐसे ही करते हैं जो ट्वेंटी परसेंट है हमारे सिंबल्स के हिसाब से इंटरेस्ट रेट हो जाएगा आगे द कॉस्ट टू प्लेस एन ऑर्डर इन गेटिंग द डिलीवरी इज फिफ्टीन तो दिस इज योर ऑर्डरिंग कॉस्ट दैट वी ऑल कॉल एज सी ए यू ऑल माइट यूज द डिफरेंट सिंबल्स एग्जाम्स के अंदर प्लीज सिंबल्स डिफाइन करना चाहिए इट इज कंपल्सरी क्योंकि हर बंदा अलग अलग सिंबल्स यूज कर सकता है इट टेक्स अ पीरियड ऑफ 1.5 पॉइंट फाइव मंथ्स टू रिसीव अ डिलीवरी फ्रॉम द डेट ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर ठीक है तो ये हो गया तुम्हारा लीड टाइम बेटा और यही लीड टाइम तुम्हारा मैक्सिमम भी है मिनिमम भी है एवरेज भी है क्योंकि कुछ और नहीं दिया हुआ

उसके बाद सी ए यहाँ पे आ गया कितने रुपीज़ का फिफ्टीन अपने को सी आई कम्प्यूट करना था सी आई जो कम्प्यूट होता है वो कैसे कम्प्यूट होता है इट इज़ सी पी यू इंटू आई तुम्हारा सी पी यू जो था वो कितने का था वन पॉइंट फाइव इंटू ट्वेंटी परसेंट तो तुम्हारा जो सी आई है कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट थ्री जीरो दिस इज नथिंग सी आई हो ओवर हियर बस वंस ऑल डू दिस उसके बाद ईओ क्यू का फॉर्मूला यूज करना है ई क्यू का जो फॉर्मूला है बेटा वो क्या होता है इट इज स्क्वेयर रूट ऑफ टू ए सी ए अपॉन सी आई सो दे कितना है नाइन्टी थाउजेंड सी ए जो है वो कितना है दैट इज नथिंग बट 15 सी आई जो है वो कितना है 0.3 बस एक बार इसको सॉल्व कर लो 2 इंटू नाइन्टी थाउजेंड इंटू फिफ्टीन डिवाइडेड बाई जीरो तो ये आ गया 90 लैक्स कुछ उसका स्क्वेयर रूट मारा तो ये आ जाएगा 3000 थाउजेंड बॉल्स ठीक है तो एक बारी में तुम लोग को इतना क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए दिस इज नथिंग बट योर ईओ क्यू मैंने यहां पर भी एग्जैक्टली सेम कैलकुलेशन ही किया है ए विल बी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इंटू ट्वेल्व सीपी यू है सी आई जीरो पॉइंट थ्री सी ए इज दिस लीड टाइम जो है जो सेफ्टी स्टॉक है ठीक है एवरेज कंजन पर मंथ अपने को थोड़ी देर में काम में आएगा जब भी रिओर्डर लेवल निकाल रहे हैं ठीक है तो ईओ क्यू का फॉर्मुला स्क्वे रूट ऑफ टू ए सी ए डिवाइडेड बाई सी आई ठीक है ये कंप्यूट करके आंसर आ गया थ्री थाउजेंड अच्छा उन लोगों ने अपने से साइकिल भी पूछा हुआ है तो मैंने सोचा पहले नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल लेते हैं तो नाइनटी थाउजेंड पूरे साल के अंदर खरीदेंगे ठीक है नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा ए बाई क्यू ना तो पूरे साल के अंदर नाइन्टी थाउजेंड एट वन टाइम विल बी परचेजिंग थ्री थाउजेंड तो टोटल कितना हो जाएगा थर्टी ऑर्डर्स ठीक है सामने बोला है मेरे ख्याल से टेक थ्री सिक्सटी डेज इन अ ईयर यहाँ पे वो लिखा हुआ है अज्यूम थ्री सिक्सटी डेज इन अ ईयर तो पूरे साल के अंदर थर्टी ऑर्डर्स तो एक ऑर्डर कितने डेज के बाद आएगा सो आंसर विल बी थ्री सिक्सटी अपॉन थर्टी जो आंसर है यहाँ पे ट्वेल्व डेज आ जाएगा ठीक है सो दिस इज योर फर्स्ट आंसर ओवर हियर दैट इज ऑफ योर ईओ क्यू सेकंड पार्ट के अंदर वो चलते हैं क्या पूछे री ऑर्डर पॉइंट बेटा री पॉइंट मतलब रीऑर्डर लेवल उसका फॉर्मुला क्या होता है मैक्सिमम कंजम्शन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम प्लस बफर स्टॉक इफ एनी यहां पे बफर स्टॉक वो दिया हुआ है मेरे ख्याल से ठीक है तो सुनो यहां पे लीड टाइम जो है देखो मंथ्स के अंदर दिया हुआ था वन पॉइंट फाइव मंथस ना तो अपने को कंजम्पशन भी पर मंथ ही चाहिए और कंजम्पशन पर मंथ इनफैक्ट क्वेश्चन के अंदर ही था अपने पास सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इन एनी केस मैंने टाइम पास के लिए फिर से कंप्यूट करके दिया हुआ है लेकिन वो वही आएगा ठीक है सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इंटू वन पॉइंट फाइव प्लस उन लोगों को बफर स्टॉक कितने का चाहिए थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड या बफर स्टॉक या सेफ्टी स्टॉक तो आंसर आ जाएगा फोर्टीन थाउजेंड फोर फिफ्टी वॉल्स ठीक है ये हो गया तुम्हारा पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट थ्री के ना उन लोगों ने क्या बोला है ई क्यू ए वॉल्व कॉस्ट 4.5 ऑफ 1.5 ऑब्वियसली फिर तुम्हारा सी आई बिल चेंज ना तो देखो फिर मैंने यहां पर क्या कर दिया होगा तो सीपीयू जो है अगर 4.5 हो जाता है तो आप लोग का सी आई जो है 4.5 का 20 परसेंट हो जाएगा सो so 20 परसेंट विल बी 0.9. अभी आप लोग ईओ क्यू का फॉर्मूला यूज कर लो तो सेम फॉर्मूला है वही रहेगा जो डिनोमिनेटर है दैट इज न्यू सी बस अप्रोक्सीमेटली आंसर कुछ वो डेसिमल्स में आता है मैंने राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है एक सेकेंड टू इंटू नाइन थाउजेंड इंटू फिफ्टी डिवाइडेड बाई जीरो सेवन थ्री टू कर दिए ठीक है दिस इज योर दिस आंसर पार्ट सी वाला अगेन क्वाइट अ इजी क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन वी ऑल हैव डन मेनी 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 टाइम्स इनफैक्ट मैंने एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस के रेफरेंस भी लिखे हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी वन एंड थर्टी टू जो आपके चैप्टर नंबर टू के अंदर था ठीक है चलिए उसके बाद यहां पर पार्ट डी करते हैं अभी जो आपका पार्ट डी था वो कुछ ऐसा था पार्ट डी जो है नाउ ये मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर था सीवीपी एनालिसिस एक स्ट्रेड फॉरवर्ड क्वेश्चन माइट बी लाइक like, यू you नो know, हम लोगों ने जब भी पी uh, वी रेशो वगैरह सब कुछ स्टार्ट किया रहेगा वैसा है कोई फर्स्ट क्वेश्चन नहीं होगा एबीसी प्रोडक्ट वाई एट अ प्राइस ऑफ थ्री हंड्रेड पर यूनिट एंड इट्स वेरिएबल कॉस्ट इज वन एटी पर यूनिट फिक्स कॉस्ट है सिक्सटीन लैक एटी थाउजेंड पर ईयर विच इज इंकड यूनिफॉर्मली थ्रूट द ईयर ठीक है द प्रोफिट फॉर द ईयर इज सेवन ट्वेंटी आर रिक्वायर टू कंप्यूट ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू एंड यूनिट्स मैंने मेरे प्रेजेंटेशन के अंदर क्या किया है मैंने हर आंसर पहले यूनिट्स के अंदर निकाला है। उसके बाद अगर सम बोलेगा रुपीज के अंदर भी निकाल देंगे ठीक है अगर आपको रुपीज के अंदर आंसर डायरेक्टली चाहिए आप लोग पीवी वी रेशो निकाल के आगे काम कर सकते हो मैंने पीवी वी रेशो निकाला नहीं मेरे पूरे आंसर के ना मैंने उसके बगैर ही सॉल्व कर लिया ठीक है तो सुनो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट बेटा फिक्स कॉस्ट कितना है सिक्सटीन लाख एट्टी थाउजेंड कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो कैसे मिल जाता है 300 हंड्रेड माइनस वन तो कितना आ जाएगा 120 ट्वेंटी सो सिक्सटीन लाख एट्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाई वन ट्वेंटी तो तुम्हारा आंसर जो है 14000 थाउजेंड यूनिट दैट इज योर ब्रेक इवन पॉइंट लेकिन सम बोलता है वैल्यू के अंदर भी निकालो तो आप लोग सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना ठीक है सो दे फोर इंटू सेलिंग प्राइस थ्री हंड्रेड दिस विल गिव यू फोर्टी टू लाख रुपीज़ का ब्रेक इवन सी ठीक है ये हो गया तुम्हारा पार्ट वन पार्ट टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी मार्जिन ऑफ सेफ्टी तुम लोग कैसे भी निकाल सकते हो मैंने शायद शॉर्टेस्ट वे से निकाला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैन ऑल्सो बी डायरेक्टली कैलकुलेटेड एज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट शायद तुम लोग को याद आएगा तो प्रॉफिट जो है कितना था बेटा सेवन लाख ट्वेंटी थाउजेंड डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वन ट्वेंटी सो दे ये आ जाएगा सिक्स थाउजेंड यूनिट्स यहाँ पे उन लोगों ने ये नहीं बोला रुपीस के अंदर निकालो या यूनिट्स के अंदर तो हमारी मर्जी हम लोगों ने आंसर यूनिट्स के अंदर निकाल दिया अगर आप लोग नॉर्मल वे से भी करोगे तो तुम लोग को यही वाला आंसर मिल जाना चाहिए तो नॉर्मल वे मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है इट इज सेल्स बियॉन्ड ब्रेक इवन सेल्स आप लोग पहले सेल्स निकाल लो वो ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट्स का आएगा आप लोग निकाल लेना फिर ट्वेंटी थाउजेंड माइनस फोर्टीन थाउजेंड तुम लोग को सेम आंसर ही दे देगा ठीक है क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट फोर्टीन थाउजेंड का था आगे प्रॉफिट्स मेड व्हेन सेल्स आर ट्वेंटी फोर थाउजेंड चलो ठीक है ये एक लाइन का ही आंसर है बेटा ट्वेंटी फोर थाउजेंड का सेल्स इन टू वन ट्वेंटी रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन लेस फिक्सड कॉस्ट ऑफ सिक्सटीन लाख एटी थाउजेंड विल गेट यू योर प्रॉफिट प्रॉफिट इज नथिंग बट योर कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस योर फिक्सड कॉस्ट सो देअर ट्वेंटी फोर थाउजेंड इंटू वन ट्वेंटी माइनस सिक्सटीन लाख एट्टी थाउजेंड दिस विल गिव यू अप्रॉक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली नहीं एग्जैक्टली ट्वेल्व लाख रुपीज़ का प्रॉफिट मेरे आंसर्स के अंदर भी यू ऑल कैन जस्ट ट्राई टू बी सीन फर्स्ट आंसर तुम्हारा फोर्टीन थाउजेंड ब्रेक इवन सेल्स फोर्टी टू लैक्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी सिक्स थाउजेंड यूनिट्स फिर उसके बाद प्रॉफिट जो है दैट इज नथिंग बट इन दिस केस ट्वेल्व लाख रुपीज ठीक है अभी आगे लास्ट पार्ट के अंदर क्या पूछा है सेल्स इन वैल्यू टू बी मेड टू अर्न अ नेट प्रोफिट ऑफ टेन लाख रुपीज फॉर द ईयर तो बिल्कुल मैं उल्टा गया टेन लाख रुपीज का प्रॉफिट चाहिए फिक्स कॉस्ट कितने का है बेटा सिक्सटीन पॉइंट एट लैक्स ठीक है तो आपने को क्या मिल जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन ट्वेंटी सिक्स पॉइंट एट लैक्स ठीक है ट्वेंटी सिक्स पॉइंट एट लैक्स डिवाइडेड इतना कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए ना अपने डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट दर इज वन ट्वेंटी इतना यूनिट बेचना पड़ेगा बस

तो अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा जो आंसर है कुछ 67 सेवन लैक्स के आसपास आएगा तो 67 सेवन लैक्स शुड बी योर आंसर अगर चाहो तो पी वी रेशो निकाल के भी काम कर सकते हो हर एक चीज अगर किसी ने पी वी रेशो निकाला होएगा तो पी वी रेशो इज कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस इन टू हंड्रेड तो फोर्टी परसेंट आता है फोर्टी परसेंट लेकर भी काम करोगे तो भी तुम्हारा आंसर वही आने वाला है फॉर अ स्मॉल एग्जाम्पल टेन लाख रुपीज प्लस ट्वेंटी सॉरी टेन लाख रुपीज प्लस सिक्सटीन लाख एटी थाउजेंड इतना कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए कॉन्ट्रीब्यूशन से डायरेक्टली सेल्स तक पहुंच सकते हो डिवाइडेड बाई पी वी रेशो तो सिक्सटी सेवन लैक्स विल बी योर आंसर ठीक है मैंने नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से काम किया यू ऑल कैन डू दैट बाई पी वी रेशो ऑल्सो इन एनी केस तुम्हारा ये वाला जो आंसर है शुड बी वर्किंग आउट टू सिक्सटी सेवन लैक्स एक बार चेक कर लेता हूँ बराबर है ठीक है सो दे फो दिस विल बी योर आंसर दिस क्वेश्चन हम लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी करके वो रखे हुए हैं ठीक है ये अपने क्वेश्चन नंबर एट था और चैप्टर नंबर फोर्टीन सुनिए Uh, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर वन कंपल्सरी क्वेश्चन इनफैक्ट मेरे को ऐसा लगता है कंपल्सरी क्वेश्चन वाज़ द इजिएस्ट आउट ऑफ ऑल द क्वेश्चन बाकी भी कोई इतने मुश्किल वगैरह तो वो नहीं थे बट जस्ट लाइक यू नो दैट वाज़ क्वाइट इजी ठीक है चलिए ये हो गया तुम्हारा ये वाला काम अभी क्वेश्चन नंबर टू वेन आई सॉ आई वॉज सरप्राइज क्योंकि ये वाला क्वेश्चन टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई करवाता ही नहीं है हमारी बुक के अंदर वी हैव अ डेडिकेटेड क्वेश्चन लाइक दिस इन चैप्टर नंबर फोर शायद अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ऑफ ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर पे वी हैव अ अ मशीन एंड कंप्यूटर टू बी और अपने को यहां पे लाइक यू नो मशीन रेट्स कंप्यूट करने हैं मैंने बोला था ऐसा क्वेश्चन बहुत फनी वे के अंदर सॉल्व करता है हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड ईजीएस्ट वे के अंदर सॉल्व करता है दैट इज वॉट आई विल डू अगेन राइट नाउ लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर टू ये ओवरहेड्स के चैप्टर के अंदर से था USP is in the manufacturer is a manufacturer of double grip uh, motorcycle tires. In a manufacturing process, it undertakes three jobs: vulcanizing, brushing, and uh, stripping. All these jobs require the use of a special machine and also the aid of a robot when necessary. So, to machine to chahiye chahiye, kabhi kabhi robot. Bhi chahiye,

ठीक है अभी आगे चल पड़ते हैं फोर्टी फाइव थाउजेंड पर मंथ में एक मंथ के लिए करूंगा क्योंकि नीचे जो वगैरह वो वो दिया दिया हुआ हुआ है है, ना मंथ के लिए ठीक है इसके लिए रेंट फॉर द क्वार्टर इज एटीन थाउजेंड यूनिट ओके ये खर्चा किसका दिया हुआ है स्पेशल मशीन का दिस फॉर द स्पेशल मशीन the cost of the special machine is नाइनटीन लैक ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है एंड डेप्रिशिएशन इजार्ज एड टेन परसेंट एनम ऑन ए सिले मैं एक काम जरा करता हूँ साथ साथ में ना लेट मी कीप ऑन कंप्यूटिंग द एक्सपेंसिस फॉर वन मंथ ऑल्सो रेंट फॉर द क्वार्टर इज एटीन थाउजेंड ओके सो मी टॉक इट ऑफ पर क्वार्टर है ना बेटा सिक्स थाउजेंड पर मंथ ठीक है आगे द कॉच द स्पेशल मशीन इज नाइनटीन लाख ट्वेंटी डेप्रिसिएशन रेट इज टेन परसेंट पर एनम ऑन एस एल एम तो नाइनटीन लाख ट्वेंटी के ऊपर टेन परसेंट विल वर्कआउट लाख नाइन टू थाउजेंड वन लाख नाइन टू थाउजेंड डिवाइडेड बाई ट्वेल्व करके आई वुड बी राइटिंग तो टी सिक्स थाउजेंड पर मंथ ठीक है सॉरी सिक्सटीन थाउजेंड पर मंथ क्ट एक्सपेंस रिकवर्ड एट ट्वेंटी और डायरेक्ट वेजेस आप लोग यहां पर अलग से देके रखा हुआ है। द फैक्ट्री मैनेजर कमिंग इोटल डायरेक्ट वेजेस इंकर्ड यूनिफॉर्मी कितना टू लैख फोर्टी टू लैस फॉर वन ईयर डिवाइडेड बाई ट्व आपका अदर इन डायरेक्ट एक्सपेंसिस पर मंथ ठीक है एक बार वेरीफाई कर लेता हूं ट्वेल्व लैक्स फॉर द इंटायर इंडिया मतलब वन लाख पर मंथ इंटू ट्वेंटी परसेंट तो ट्वेंटी थाउजेंड आ जाएगा बराबर ठीक है तो आ, रोबोट का एक ही खर्चा है फोर्टी फाइव थाउजेंड पर मंथ और मशीन के ये तीन खर्चे हैं तीनों का ज़रा मैं टोटल वो कर लेता हूँ ट्वेंटी थर्टी सिक्स फोर्टी टू थाउजेंड ठीक है तो मैंने शुरू में एक स्टेटमेंट वो बनाया है जहाँ पे ये वाला खर्चा अलग किया और ये वाला खर्चा अलग से कंप्यूट किया ठीक है अभी आगे चल पड़ते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ ऑपरेशन द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फ्रॉम द जॉब बुक नंबर ऑफ आर्स द स्पेशल मशीन वॉज यूज विद ऑफ द रोबोट विद द एड ऑफ द रोबोट याद रखना मशीन तो हमेशा यूज होता है उसके अंदर दो ऑप्शन है क्या रोबोट के साथ यूज हो रहा है क्या रोबोट के साथ नहीं यूज हो रहा है वेलकनाइजिंग ब्रशिंग स्ट्रिपिंग विदाउट द यूज फाइव हंड्रेड एंड थाउजेंड तो यह आ जाएगा फिफ्टीन हंड्रेड आर्स ठीक है विद द एड ऑफ द रोबोट 400 हंड्रेड प्लस फोर हंड्रेड प्लस ट्वेल्व हंड्रेड तो कितना बेटा टू थाउजेंड ठीक. अच्छा वल्कनाइजिंग के लिए ऑल कितना आर्स लग रहा है नाइन हंड्रेड ऑल दो ये डेटा काम में नहीं आएगा ब्रशिंग uh, के लिए फोर्टीन हंड्रेड और स्ट्रिपिंग के लिए जो है वो ट्वेल्व हंड्रेड ठीक है ऑल जो है या ऐसे टोटल मार लो या ऐसे टोटल वो मार लो आंसर थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड आर्स आ जाएगा कोइंसिडेंटली हमारे क्वेश्चन के अंदर भी जो टोटल था थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड ही था जरा वो याद करो जो हमारी बुक्स के अंदर क्वेश्चन था ठीक है चल इन एनी केस करना क्या है कंप्यूट द मशीन आर रेट फॉर द कंपनी एज अ होल फॉर द मंथ ए वेन द रोबोट इज यूज एंड वेन द रोबोट इज नॉट यूज ठीक है रोबोट इज यूज एंड वैन द रोबोट इज नॉट यूज क्या बोलते हैं आप हमको दो रेट्स निकाल के दोबोट दो, यूज होता है खर्चा कितना बेटा फोर्टी फाइव थाउजेंड रोबोट कितने आर्ट्स के लिए यूज होता है रोबोट तो इतने आर्ट्स के लिए यूज होता है ठीक है सो so दे फोर दिस इज नॉट योर आंसर लेकिन मशीन आर रेट ऑफ द रोबोट क्योंकि उन लोग ने मशीन आर रेट पूछा है तो मैं मशीना रेट जो है पहले रोबोट का निकालता हूं ऑल दो दिस इज नॉट योर आंसर ठीक है लेकिन रोबोट का जो मशीना रेट है ये तो आ जाएगा 22.5 पर आर एक सेकेंड बाय 2,000 ठीक बाई तो 22.5 पर है और उसके बाद आपका जो मशीन है मशीन का टोल खर्चा मैंने ऊपर फोर्टी निकाला फोर्टी इज अ कॉस्ट फॉर मशीन कितने आर्ट्स के लिए चलता है बेटा मशीन कितने आर्ट्स के लिए चलता है मशीन तो इतने आर्ट्स के लिए भी चलता है आगे बोलो मशीन तो बेटा इतने आर्ट्स के लिए भी चलता है तो मशीन तो दोनों के लिए चलता है ठीक है मशीन हमेशा चाहिए रोबोट चाहिए नहीं चाहिए वो अलग बात है सो so डिवाइडेड बाई थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो ये आ जाएगा ट्वेल्व रुपीज पर आर तो पहले ना मैंने ये वाले दो आंसर निकाले दिस वी वॉन्ट लेकिन मैंने पहले ये वाले दो आंसर क्लास रूम के अंदर भी निकाले थे इससे आगे जाके ना अपना काम बहुत ईजी हो जाता है कैसे तो सुन अभी रिक्वायर्ड पार्ट क्या था कंप्यूटर द मशीन आर रेट फॉर द कंपनी एज अ होल फॉर द मंथ वेन रोबोट वॉज यूज एंड वेन द रोबोट वॉज नॉट यूज एक सेकेंड वेन रोबोट वॉज यूज एंड द रोबोट वॉज नॉट यूज अगर रोबोट यूज होएगा तो रोबोट का रेट भी चार्ज करेगा मशीन का भी रेट चार्ज करेगा तो आंसर आ जाएगा 34.5 और जब रोबोट यूज नहीं हो रहा तभी सिर्फ क्या यूज हो रहा है मशीन तो तब आंसर तुम्हारा कितने का आ जाएगा बेटा 12 ओके बस तो मैंने उस क्वेश्चन का रेफरेंस भी दिया है जो डिटो अपना सेम क्वेश्चन था एक ट्वेंटी का रेट आया एक आपका ट्वेल्व का रेट आ गया लेकिन फिर जब मशीन और रोबोट दोनों यूज होते हैं यू एडअप द रेट्स जब ये दोनों यूज नहीं होते आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस विल बी रूपीज ट्वेल्व ठीक है चलो ये हो गया तुम्हारा ये वाला काम ठीक है अभी सेकेंड पार्ट के अंदर अपने को क्या पूछा था जरा वो भी देख लो कंप्यूट दी मशीन आर रेट फॉर द इंडिविजुअल जॉब वेल्कनाइजिंग ब्रशिंग एंड स्ट्रिपिंग ये एक एग्जाम्पल वो दे देता हूं बाकी दोनों एग्जैक्टली सेम वे के अंदर ही होगा अभी बोलो क्या बोलते हैं हम लोग को ना आप हर जॉब के लिए इंडिविजुअल रेट बताओ तो जरा देखो ये 34.5 और ये 12 का मतलब क्या होता है ये 34.5 का मतलब जब मशीन और रोबोट दोनों यूज हो रहे हैं चार्ज थर्टी फोर पॉइंट है।, है तो चार्ज ट्वेल्व रुपीजर के लिए वर्गनाइजिंग के लिए 500 हंड्रेड आर्स सिर्फ मशीन यूज हुआ रोबोट तो नहीं यूज हुआ तो फॉर दीस 500 हंड्रेड आर्स यू विल चार्ज एट वॉट रेट बेटा ट्वेल्व ठीक है उसके बाद फोर हंड्रेड आर्स मशीन भी यूज हो रहा है रो, रोबोट uh, भी यूज हो रहा है सो देो दैट टाइम यू विल चार्ज एट वॉट पर्टिकुलर रेट या थर्टी फोर पॉइंट फाइव ठीक है तो आप लोग क्या कर लो ये वाला ओवर एड्स निकाल लो ये वाला ओवर निकाल लो जितना भी टोटल आ जाएगा दैट अ टोटल अमाउंट टू बी चार्ज टू वर्कनाइजिंग जॉब ऑब्वियसली फॉर कितना आवर्स बेटा नाइन हंड्रेड इसलिए मैंने वो वाला टोटल भी निकाला था वो एंड के अंदर मेरे को इस पर्पज के लिए काम में आता है पार्ट वन के लिए काम में नहीं आता ठीक है सो दे फोर थर्टी फोर पॉइंट फाइव थर्टी फोर पॉइंट फाइव इंटू फोर हंड्रेड कर रहा हूं ठीक है तो ये आ जाएगा ट्वेंटी फाइव हंड्रेड इंटू ट्वेल्व प्लस फोर हंड्रेड इंटू थर्टी फोर पॉइंट फाइव दिस इज दर्स बेटा जो है दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिसन हंड्रेड आर्स होता है ठीक है सेम वे इन दिस केस 1200 हंड्रेड इंटू थर्टी डिवाइडेड बाई ट्वेल्व वो तो ऑब्वियसली सेम आंसर ही आ जाएगा क्योंकि मेरे ख्याल से लास्ट वाले जॉब के लिए वैसे भी यहां पर ऐसा वाला कोई आर्स था ही नहीं तो अल्टीमेटली तो इसी का रेट जो है विल बिकम योर फाइनल रेट ऑफ ठीक है डिटो सेम क्वेश्चन वट एव यूर हैव डन इसका जो मार्क्स है मैं एक बार वो देख लेता हूँ दिस वॉज आज फॉर टेन मार्क्स ओके गुड नंबर ऑफ मार्क्स फॉर दिस लेकिन दस मिनट से ज़्यादा का ये क्वेश्चन नहीं है ठीक है सुन so, चलिए ये अपनी बुक के अंदर वो किधर है दैट इज वन थिंग दैट आई टोल्ड यू चलिए उसके बाद पार्ट बी ये अपना लेबर कॉस्टिंग का ऐसा फर्स्ट क्वेश्चन था जहां पर हम लोगों ने वेजेस निकाला था एज पर ऑल द प्लान पढ़ी अ स्किल्ड वर्कर इन पी के लिमिटेड इज पेड गारंटीड वेज रेट ऑफ फिफ्टीन पर आर इन अ फोर्टी एट आर वीक ठीक है द स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस वन यूनिट इज एटीन मिनट्स ठीक है तो एक यूनिट को बनाने के लिए एटीन मिनट्स लगना चाहिए दिस अ स्टैंडर्ड टाइम

हर आर के लिए कितना रुपीज़ पे कर रहे हैं 15 सो so 48 एट इंटू फिफ्टीन विल बी गिविंग यू सेवन ट्वेंटी रुपीज ठीक है बस योर आंसर इज डन आगे पीस रेट विद गारंटीड वीकली वेजेस पीस रेट का मतलब क्या होता है रेट पर यूनिट लेकिन बंदे को गारंटी भी दिया हुआ है देखो गारंटीड वेजेस विल बी फिफ्टीन इंटू फोर्टी एट वो तो सेम आंसर ही आ जाएगा तो सेवन ट्वेंटी पीस रेट के लिए तुमको रेट पर यूनिट चाहिए रेट पर यूनिट अपने को नहीं दिया हुआ बेटा रेट पर यूनिट अगर अपने को नहीं दिया हुआ तो हम लोगों ने क्या सीखा हुआ है रेट पर यूनिट इज इक्वल टू कैसे कंप्यूट होता है बेटा रेट पर आर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड यूनिट्स पर आर तो आप लोग ऐसे निकाल लेना तो रेट पर यूनिट जो है कितने रुपीज का है सॉरी रेट पर आर जो है वो कितने यूनिट्स का है फिफ्टीन डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड यूनिट्स पर आर स्टैंडर्ड यूनिट्स पर आर तो सुनो एक यूनिट के लिए कितना टाइम लगना चाहिए एटीन मिनट्स तो सिक्सटी मिनट्स के अंदर कितना यूनिट्स बनना चाहिए सो so दे कर देता हूं ठीक है बस ऐसे भी रहने दोगे तो भी एक्चुअली अपना काम हो ही जाएगा बेटा सो फिफ्टीन इंटू एटीन डिवाइडेड बाई सिक्सटी तो आंसर कितना आ जाएगा फोर पॉइंट फाइव सो रेट पर यूनिट इज नथिंग बट फोर पॉइंट फाइव पर यूनिट अभी वापिस रिक्वायर्ड पार्ट पे आ रहा हूं

ठीक है आगे पार्ट सी हेल्से और रोबन बेटा हेल्से और रोबन के लिए ना आपको सबसे पहले ना टाइम अलाउड टाइम टेकन और टाइम सेव निकालना पड़ेगा ठीक है तो हेल्से रोबन के लिए टाइम अलाउड टाइम टेकन टाइम सेव निकालना पड़ता है टाइम अलाउड का फुल फॉर्म क्या होता है टाइम अलाउड का फुल फॉर्म इज टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट एक्चुअल आउटपुट कितना था 200 यूनिट्स तो 200 यूनिट्स के लिए कितना टाइम लगना चाहिए था 200 यूनिट्स हर यूनिट के लिए 18 मिनट्स लगना चाहिए डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स पर आर ठीक है तो 200 हंड्रेड इंटू दिस विल गिव यू द आंसर इन मिनट्स डिवाइडेड बाय 60 कर रहा हूँ ठीक है तो आंसर आ जाएगा 60 आवर्स लगना चाहिए लग कितना गया फोर्टी आवर्स बिकॉज वर्कर्स है वर्क फॉर फोर्टी आवर्स तो टाइम सेव्ड विल मेक इट कितना ट्वेल्व बस सो इन दिस पर्टिकुलर केस ट्वेल्व विल भी टाइम सेव आप उसके बाद अपना आंसर जो है वो निकाल लेना बेसिक वेजेस बोनस निकालने से पहले उससे पहले तो बेसिक वेजेस निकालना पड़ेगा बेसिक वेजेस विल भी फोर्टी एट आवर्स इंटू रेट पर आर दैट इज फिफ्टीन वो सेवन ट्वेंटी रुपीज़ वो पहले भी कम्प्यूट किया हुआ था उसके बाद बोनस हेल्थे रोवन हेल्थे के अंदर बोनस का फार्मूला क्या होता है फिफ्टी परसेंट ऑफ टाइम सेव रेट पर आवर सो फिफ्टी परसेंट ऑफ ये फिफ्टी है फिफ्टी परसेंट ऑफ टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आर फिफ्टी इंटू ट्वेल्व इंटू एटीन सो सॉरी फिफ्टी इंटू ट्वेल्व इंटू फिफ्टीन जो रेट पर आ रहा है वो फिफ्टीन है बेटा सो दे फोर ये कितना आ जाएगा नाइन्टी रुपीज़ रोवन के ना फॉर्मूला क्या हो जाता है टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इंटू बेसिक वेजेस टाइम सेव्ड कितना है ट्वेल्व टाइम अलाउड कितना है सिक्सटी इंटू बेसिक वेजस कितने का था सेवन ट्वेंटी ये वर्कआउट कर लो शायद वन फोर्टी फोर आ जाएगा बस तो टोटल वेजेस अंडर हेल्सी स्कीम विल बी बेसिक प्लस बोनस कितना आ जाएगा 810 एंड टोटल वेजेस अंडर रोवन स्कीम विल बी 720 प्लस 144 कितना आ जाएगा 864 ठीक है सो दिस शुड बी योर टू आंसर्स एज़ सच ठीक है सुन मेरे ख्याल से मेरे भी ये वाले दोनों आंसर वाई रहेंगे अह uh, ये क्वेश्चन इज डिटो सेम एज क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ आवर लेबर कॉस्टिंग वाला चैप्टर Uh, पहला आंसर जो था वो 720 था बेटा सेकेंड आंसर जो था वो 900 और 720 ट्वेंटी वट एवर इज़ हायर तो 900 हंड्रेड विन्स अ बैटल फिर उसके बाद हेल्से के लिए टाइम सेव्ड और टाइम टेकन चाहिए डिफरेंस इज टाइम सेव्ड उसके बाद बोनस जोड़ो बेसिक वेजेस ऐड कर लो 810 फिर उसके बाद बोनस uh, जोड़ो बेसिक वेजेस ऐड कर लो दिस विल बी ऑर टोटल ठीक है अच्छा पार्ट टू के अंदर देखो आपने को क्या पूछा हुआ है सजेस्ट विच बोनस प्लान हेल्से और ओवन कंपनी शुड फॉलो कंपनी शुड फॉलो दैट प्लान का इधर एक एम था कि कंपनी को अपना लेबर कॉस्ट कम करने का है तो मेरे ख्याल से हेल्से के अंदर द बीजिसन जीरो नो रो वन के अंदर एट सिक्सटी फोर है सो एट वन जीरो इज बेटर ठीक है चलो दिस थिंग इज ऑल टूगेदर डन पार्ट बी इज ऑल फिनिश ठीक है अभी पार्ट सी पर आते हैं uh... दिस इज योर पार्ट सी ना ये वाला जो पार्ट सी था ना दिस वॉज ऑल अबाउट एक्टिविटी बेस कॉस्टिंग आई थिंक दिस वॉज द मोस्ट अंडर रेटेड क्वेश्चन मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आज तक हर एग्जाम के अंदर ये लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं इस एक के अंदर इन लोगों ने कम इंपॉर्टेंस दिया फोर मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा लेकिन एंड के अंदर ना उन लोगों ने एक थियरी क्वेश्चन पूछ लिया था जहां पे दे वांटेड यू टू टेल द कॉस्ट ड्राइवर्स वगैरह वो इजी क्वेश्चन था काफी नथिंग सो डिफिकल्ट अबाउट इट ओके लेकिन उन लोगों ने फिर कॉम्पनसेट कर दिया बाई आस्किंग सम थीरी ऑल्सो ठीक है पढ़ी <coughs> एक्स लिमिटेड इज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग टू प्रोडक्ट्स एक्सप्रेस कॉफी एंड इंस्टेंट कॉफी ओके इट फॉनिश द फॉलोइंग डेटा फॉर द ईयर एक्सप्रेस कॉफी एंड इंस्टेंट कॉफी ओके एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है टोटल मशीन आज दिया हुआ है ये टोटल ही है टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर टोटल नंबर ऑफ सेटअप ठीक है द एन्यूअल ओवर एट्स आर एज फॉलोज मशीन प्रोसेसिंग कॉस्ट सेवन लैक्स सेटअप रिलेटेड कॉस्ट सेवन लैक्स सिक्सटी एट परचेज रिलेटेड कॉस्ट दैट इज सिक्स लैख एट्टी थाउजेंड ठीक है कंप्यूट द कॉस्ट एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट दैट इज एक्सप्रेस कॉफी एंड इंस्टेंट कॉफी फॉर ईच एक्टिविटी ऑन द बेस ऑफ एक्टिविटी बेस कॉस्टिंग फाइंड आउट दी ओवरहेड कॉस्ट परिट ऑफ द प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट्स हैं एक एक्सप्रेस कॉफी और इंस्टेंट कॉफी देखो अभी एक्टिविटी बेस कॉस्टिंग है ना हर ओवरहेड कॉस्ट ढूंढो वो तो अपने पास दिए हुए हैं वन टू थ्री उनका कॉस्ट ड्राइवर ढूंढो अभी कॉस्ट ड्राइवर भी बेटा डायरेक्टली ही दिए हुए हैं इसका कॉस्ट ड्राइवर मशीन आर्ट्स हो जाएगा इसका कॉस्ट ड्राइवर सेटअप्स हो जाएगा और इसका कॉस्ट ड्राइवर जो है वो नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स हो जाएगा बस ये कॉस्ट इन रेशियोज के अंदर डिवाइड कर लो एक बार वो कर लिया डिवाइड बाय नंबर ऑफ वो तु तु तुम्हारे पास है तुमको कॉस्ट पर यूनिट भी मिल जाएगा तो तुम्हारा दोनों का दोनों जो पार्ट है एक ही स्टेटमेंट के अंदर आंसर आ जाएगा सो so, अभी ये चीज मैं और ज्यादा कोई डिस्कस नहीं कर रहा हूं इट्स क्वाइट इजी तो फर्स्ट एक्सपेंस उसका कॉस्ट इतना है कॉस्ट ड्राइवर ये कॉस्ट ड्राइवर रेट विल बी सेवन लाख रुपीज कॉस्ट डिवाइडेड बाय वन लाख फोर्टी थाउजेंड मशीन आर्स जो अपना दोनों मशीन आर्स का टोटल है कॉस्ट ड्राइवर रेट इज रुपीज फाइव पर मशीन आर इसके लिए ट्वेंटी थाउजेंड आर्स है तो वन लाख इसके लिए वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड है तो सिक्स लैख सेटअप रिलेटेड कॉस्ट नंबर ऑफ सेटअप की रेशो के अंदर जो आपका लास्ट वाला कॉस्ट है परचेज रिलेटेड कॉस्ट नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स की रेशियो के अंदर बस वंस यू ऑल डू दिस टोटल आप कर लेना डिवाइड बाई द नंबर ऑफ यूनिट्स आप लोग को इधर जो ओवर हेड कॉस्ट पर यूनिट है वो मिल जाएगा या जॉब विल भी ओवर विद ये हो गया तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू अभी उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री पर आते हैं नो no, अभी तक आई थिंक द पेपर इज क्वाइट मैनेजेबल इफ यू हैव वर्क फॉर इट आई डोंट थिंक सो तो एनीथिंग इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट ओवर हियर तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थ्री ये वाला जो क्वेश्चन था कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बारे में था मैंने मेरे ख्याल से क्लासरूम के अंदर वो बोला भी हुआ है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के अंदर से कोई ना कोई एक आता है ऑनेस्टली इस बार कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आया जो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग था वो एज सच नहीं आया लेकिन जो हमारे क्वेश्चन होते हैं लाइक जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर थिएटर सेक्टर जो होटल हॉस्पिटल वो सब क्वेश्चन नहीं आए तो दोनों में से तो यूजली एक आता है इस बार कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आ गया एक्स वाई जेड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड हैज ऑप्टेंड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्वेंटी फाइव लाख रुपीज इन द फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू the work on the contract commences immediately and expected that contract will be completed by 31st of March 23 matlab 2 saal ke andar approximately chief accountant of the company has provided the following information relating to the contract theek hai kya information hai padho 21 22 22 23 material issued 4 lakhs future के अंदर next year के अंदर थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड लगेगा ठीक है चलो आगे चल पड़ते हैं फिर आ, ज इज पेड इतना और इतना प्रीपेड है प्लांट हमेशा एक डेंजरस एडजस्टमेंट संड्री एक्सपेंसिस पेड आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसिस पेड आउटस्टैंडिंग कॉन्टेंजेंसी कॉन्टिंजेंसी सी वेन एव यू ट्राई टू एस्टिमेट ना तो आप लोग इतना एस्टिमेट भी नहीं कर सकते तो आप लोग कुछ ना कुछ कॉन्टेंजेंसी ऐड कर देते हो एग्जांपल के तौर पे सपोज यू ऑल थॉट लाइक यू नो कि मूवी के लिए जाएंगे टिकट का खर्चा होएगा फिर ऑटो का खर्चा होएगा पॉपकॉर्न का खर्चा लेकिन शायद कुछ और खर्चा भी आई जाए सो यू यू यूजअली एड सम काइंड ऑफ कॉन्टेंजेंसी कुछ और निकल के आ गया जो अपने को नहीं एस्टिमेट हो रहा तो वो वाला खर्चा ठीक है आगे फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ठीक है

कंपनी वुड हैव टू स्पेंड अडिशनल सम ऑफ एट्टी थाउजेंड रुपीज फॉर द प्लांट फॉर द फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री एंड द रेजि वैल्यू ऑफ द प्लांट ऑन द कंप्लीस विल भी टेन थाउजेंड ठीक है तो नेक्स्ट ईयर ये नेक्स्ट ईयर का डेटा है ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री का है ठीक है अपने को इतने का प्लांट और लेना पड़ेगा जिसका रेजिडल वैल्यू ये होने वाला है पार्ट ऑफ द मटीरियल थर्टी थाउजेंड वॉस स्क्रैप्ड एंड सोल्ड फॉर ट्वेंटी थाउजेंड इन द फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ठीक है ये ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू का है द वैल्यू ऑफ द मटीरियल ऑन थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च ट्वेंटी टू वीन थाउजेंड कैश रिस ऑन अकाउंट टर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च वॉस थर्टीन लैक फिफ्टी याद ना कैश रिसीव अपने अकाउंट के अंदर ही नहीं आता ठीक है लेकिन ये क्यों दिया हुआ है बिकॉज दिस रिप्रेजेंटेड क्या लिखा है नाइन्टी परसेंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड तो बेटा वर्क सर्टिफाइड कितना हो जाएगा थर्टीन लाख फिफ्टी डिवाइडेड बाई नाइंटी परसेंट तो वर्क सर्टिफाइड कितना आ जाएगा फिफ्टीन लाख आगे कॉस्ट ऑफ द वर्क अनसर्टिफाइड एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्ट ट्वेंटी टू वॉज वैल्यूड एट ट्वेंटी वो लोग क्या बोलते हैं कि जो वर्क अनसर्टिफाइड था ना उसका कॉस्ट इज ट्वेंटी परसेंट ऑफ दिस तो मेरे ख्याल से वर्क अनसर्टिफाइड डायरेक्टली जो है ना बेटा थ्री लाख रुपीज ही हो जाएगा ये थ्री लाख डायरेक्टली कॉस्ट ही है वर्क अनसर्टिफाइड इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट नो सो दे कॉस्ट ही होगा मेरे ख्याल से तो ठीक है करना क्या है प्रिपेयर अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ओके कैलकुलेट एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट चलिए ठीक है स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग पहले सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वो बनाना है फॉर द ईयर थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो ध्यान से जरा सुनना अभी जब अकाउंट बनाएंगे तो मटीरियल इशूड डेबिट साइड वेजेस पेड लेकिन प्रीपेड लेस होता है ठीक है तो टू लाख थर्टी फाइव थाउजेंड आ जाएगा एक्सपेंसिस पेड आउटस्टैंडिंग एड हो जाएगा ठीक है फिर ऑफिस एक्सपेंसिस पेड एड आउटस्टैंडिंग एड हो जाएगा ठीक है बस ये चारों एक्सपेंसेस जो हैं तुम्हारे डेबिट साइड पे आ जाएंगे ठीक है एक सेकंड तुम लोगों को ना आंसर जो है वो दिखा देता हूं देखो मटेरियल इशूड फोर लाख रुपीज प्रीपेड लेस करके टू लैख थर्टी फाइव संड्री एक्सपेंसिस एड करके फिफ्टी सेवन फाइव हंड्रेड जो आउटस्टैंडिंग वाला पार्ट है ऑफिस एक्सपेंसिस जो है एडअप करके दिस इज योर आंसर ठीक है अभी work certified, क्योंकि अभी क्योंकि तक नहीं complete हुआ तो ये दोनों WIP ही होंगे और ठीक है अब इसके बाद जरा ध्यान से सुना। देखो बीच में ना यहां पे कई थी क्या थी आ, बीच में ना थर्टी थाउजेंड रुपीज का एक प्लांट सॉरी का मटेरियल हम लोगों ने स्क्रैप किया तो देखो हम लोगों ने ऐसा एडजस्टमेंट क्वेश्चन नंबर वन के अंदर ही किया हुआ वैसे तो डेबिट साइड पे चार लाख रुपए का मटेरियल था ठीक है चार लाख रुपया ये जो मटेरियल इशूड हुआ इसके अंदर से थर्टी थाउजेंड रुपीज़ का जो मटेरियल था ना वो खराब हो गया तो हम लोगों ने स्क्रैप कर दिया उसको कितने के अंदर स्क्रैप किया बेटा ट्वेंटी थाउजेंड तो देखो मैंने आंसर के अंदर इसका ट्रीटमेंट कैसे किया है फोर लैक्स ,00 के अंदर से आपको ना थर्टी निकालने का है वो मैंने दो हिस्सों के अंदर निकाला इन दिस पर्टिकुलर केस मटेरियल सोल्ड आपका जो सेल वैल्यू है वो ट्वेंटी थाउजेंड है और लॉस ऑन सेल विच विल अल्टीमेटली गेट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने का है? 10 ultimately, आपको रुपीस ही निकालने का था. That is one thing that ठीक है है अल्टीमेटली आपको निकालने था दैट दैट इज वन थिंग हैव रिमूव ठीक ये हो गया एक चीज फिर आपको मटीरियल एट साइट तो क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है बेटा मटीरियल एट साइट जरा देखो सुनो हाँ तो जो मटेरियल एड साइट था वो यहाँ पे कितने रुपीज़ का था सेवनटीन थाउजेंड तो मैंने यहाँ पर सेवनटीन थाउजेंड लिख दिया है ठीक है सो सुदेवो दिस इज दैट पर्टिकुलर थिंग ठीक है अभी उसके बाद बराबर से सुनना यहाँ पर और दो ट्रांजेक्शन प्लांट वाले देखो क्या हुआ बीच में ना बारह हजार रुपये का जो प्लांट है ना वो हम लोगों ने स्क्रैप किया अभी बारह हजार रुपये का प्लांट अगर हम लोगों ने स्क्रैप किया तो मैंने क्या किया मैंने ना डेबिट साइड पे जो प्लांट आया ना वो लिखा है तो अब मैं क्या करूंगा डेबिट साइड पे प्लांट का कॉस्ट लिखूंगा क्रेडिट साइड पे जो भी प्लांट वगैरह का डब्ल्यू है जो भी कुछ प्लांट वगैरह हुआ वो सब कुछ आइल राइट डाउन ऑन द क्रेडिट साइड ऑटोमेटिकली आई एम राइटिंग डेप्रीसिएशन तुम लोग इस एडजस्टमेंट के बदले में इस एडजस्टमेंट के बदले में और इस एडजस्टमेंट के बदले में अगर चाहो नेट फिगर डेप्रीसिएशन के तौर पर भी लिख सकते हो तो एक प्लांट बारह हजार रुपए का हम लोगों ने स्क्रैप किया और लास्ट डे पर लास्ट डे पर अपने पास प्लांट एट साइड था कितने रुपीज का एटीन थाउजेंड रुपीज का सो एटीन थाउजेंड रुपीज का प्लांट वुड हैव कम ओवर हियर ठीक ये हो गया तुम्हारा ये वाला चीज तुम्हारा जो प्रॉफिट आता है तकरीबन मेरे ख्याल से वो इतना आना चाहिए ठीक है ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल दी अदर थिंग्स जो भी क्वेश्चन के अंदर है दिस विल ऑल गेट ओवर ठीक है पार्ट टू के अंदर अपने को क्या पूछा हुआ है पार्ट टू के अंदर अपने को बोला था कैलकुलेट एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट मतलब दो सालों का अपना प्रॉफिट कितना होगा तो फिर हम लोग दो सालों का एक स्टेटमेंट बना देते हैं दो सालों के ना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो अपने को कितने रुपीज का सेल प्राइस जो है वो मिल जाएगा बेटा ट्वेंटी फाइव लैक्स देखो यहां पर था अपने पास फर्स्ट लाइन पे ट्वेंटी फाइव लैक्स तो मैंने स्टेटमेंट के अंदर वही वाला काम करना स्टार्ट किया ट्वेंटी फाइव ठीक तो यहां पे देखना मेरा स्टेटमेंट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो ट्वेंटी अभी इसके अंदर से यू हैव टू सब्ट्रैक्ट एक्सपेंसिस ओवर टू ईयर्स टोटली totally यहां पे जो खर्चे हैं वो मैं गिना देता हूं फिर उसके बाद उसका कैलकुलेशन दिखाता हूं मटेरियल्स कंज्यूम वेजेस है सेंडरी एक्सपेंसेस ऑफिस एक्सपेंसेस उसके बाद प्लान डिप्रिसिएशन और एक एक्स्ट्रा भी आएगा दैट ऑल तो सुनो सबसे पहले मटेरियल्स कंज्यूम तो देखो मटेरियल्स कंज्यूम्ड तुम लोगों ने यहां पर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू का तो इधर भी लिखा हुआ है चार लाख रुपए का मटेरियल याद रखना यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट टोटल प्रॉफिट ठीक है टोटल प्रॉफिट के लिए टोटल कॉस्ट चाहिए टोटल कॉस्ट के अंदर इस साल का कॉस्ट और नेक्स्ट ईयर इस साल का मटेरियल का कॉस्ट कितना लगा फोर लैक्स ,00 लेकिन उसके अंदर से सत्रह हजार रुपए का मटेरियल अभी भी पड़ा हुआ है और थर्टी थाउजेंड रुपीज का स्क्रैप कर दिया था तो दिस माइनस दिस माइनस दिस मैंने नीचे वही वाला चीज लिखा होगा थ्री लैख फिफ्टी थ्री थाउजेंड ठीक है और सुनो नेक्स्ट ईयर ये जो क्लोजिंग मटीरियल है सेवनटीन थाउजेंड तो और नेक्स्ट ईयर और कितने रुपीज का मटेरियल आया बेटा थ्री लाख फिफ्टी सो थ्री लाख फिफ्टी प्लस सेवनटीन थाउजेंड विल गिव यू थ्री लाख सिक्सटी सेवन तो टोटल मटेरियल जो है वो यहां पे कितने रुपीज का आ गया सेवन लाख ट्वेंटी थाउजेंड ठीक ये हो गया तुम्हारा एक चीज अभी आगे वेजेस वेजेस 2021-22 का तो ऊपर अकाउंट के अंदर भी लिखा था चाहो तो कैलकुलेशन फिर से वो दिखाता हूं टू लैख फिफ्टीन थाउजेंड लेस प्रीपेड फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज का ठीक है अभी ये जो प्रीपेड है वो इस साल का खर्चा नहीं है इसलिए लेस कर दिया लेकिन नेक्स्ट ईयर के खर्चे के ना तो ऐड करना पड़ेगा ना प्लस नेक्स्ट ईयर जरा देखो अपना वेजेस और कितने का लगा वन लाख फोर्टी सो वन लाख फोर्टी प्लस फिफ्टीन वन लाख फिफ्टी फाइव तो ये वेजेस पिछले साल का ये फ्यूचर का सो फॉर देव यू थ्री लाख नाइन्टी सेम वे फॉर सन्ड्री एक्सपेंसिस एंड ऑफिस एक्सपेंसिस बस वहां पे आउटस्टैंडिंग है प्रीपेड नहीं है तो देखो वहां पर एक चीज 2021-22 का तो सन्ड्री एक्सपेंसिस बेटा यहां पर भी लिखा हुआ है 57,500 ठीक है तो 57,500 सेवन तो मैंने कॉपी पेस्ट ही कर दिया उसके बाद 2022-23 का देखो यहां पर पे, एक्सपेंसेस पेड़ कितना है 35,000 लेकिन ये फाइव थाउजेंड कहने से पहले पिछले साल का आउटस्टैंडिंग पे हुआ रहेगा तो वो अपने को लेस करना पड़ेगा उसके बाद इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है वो कितने रुपीस का 5, so, this this this, 32, है बेटा 5,000 थाउजेंड सो दिस माइनस दिस प्लस दिस थर्टी आ जाएगा ठीक है एग्जैक्टली द सेम थिंग फॉर ऑफिस एक्सपेंसिस ऑल्सो ऑफिस एक्सपेंसिस सेवेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये तो अपने इसी साल के अंदर से था सेवेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिर उसके बाद फ्यूचर के अंदर देख लो यहां पे और कितने का खर्चा होगा फिफ्टी फाइव लेकिन इस फिफ्टी फाइव के अंदर ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड भी तो है ना यार सो दे फोर फिफ्टी फाइव थाउजेंड माइनस ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड और प्लस जो आउटस्टैंडिंग है यहां पर फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज का दैट यू ऑल कैन ऐड ओवर ठीक है सो दिस प्लस दिस विल बी गिविंग ऑल दिस फ्यूचर कॉन्टिजेंसी के अंदर वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज का और खर्चा उतना अप्रोविजन काइंडल आर ट्राइंग टू बी मेकिंग बस वंस दिस थिंग इज ऑल टूगेदर डन लास्ट थिंग मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सम पीपल से एज पर मी क्वाइट इजी दिस इज ऑल अबाउट डेप्रिसिएशन तो देखो डेप्रिसिएशन दो दो सालों के ना वो डिवाइड कर देता हूं देखो तो डेप्रिसिएशन तो पहले ये सब एक बार जरा रब कर रहा हूं तो देखो मैंने जब डेबिट साइड पे यहां पर प्लांट लिखा ना ध्यान से रहा देखना तो यहां पर कितने रुपीज का प्लांट लिखा टू लैक्स ठीक है उसके अंदर से इतना प्लांट एंड में था और इतना प्लांट स्क्रैप कर दिया तो डेप्रिसिएशन दिस माइनस दिस माइनस दिस कितने रुपीज का चार्ज किया रहेगा वन लैख सेवेंटी तो ये वन लैख सेवेंटी ये हो गया ठीक है अभी ये जो प्लांट एट साइट है ये जो प्लांट एट साइट है ये क्लोजिंग वाला प्लांट एट साइट ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग प्लांट एट साइट तो बन जाएगा ना बेटा तो दिस इज एटीन थाउजेंड फॉर दैट नेक्स्ट ईयर सामने अपने को बोला हम लोग ना और प्लांट भी खरीदेगा कितने रुपीज़ का खरीदेगा बेटा देख इधर यहाँ पे लिखा हुआ है एट्टी थाउजेंड सो दे उतना प्लांट और एड हो जाएगा और लास्ट डे पर प्लांट का वैल्यू कितने का होगा टेन थाउजेंड सो दे फोर एटीन प्लस एटी माइनस टेन कितना आ जाएगा एटी एट

क्योंकि फ्यूचर के अंदर लॉस होगा क्योंकि ओवरऑल प्रॉफिट कम है इसी साल के अंदर हम लोगों ने ज्यादा कमा लिया हम लोगों ने ऐसा एक क्वेश्चन क्लासरूम के अंदर भी किया हुआ है ठीक है सो टेक्निकली अ प्रोविजन शुड बी मेड फॉर टू थाउजेंड फॉर एनी फर्दर लॉसेस आई सी के दिमाग में आएगा दे विल राइट इट मेरे ख्याल से तो नहीं आएगा यू एल कैन सी दजेस्टेड तो वो लोग मेरे ख्याल से नहीं लिखेंगे ठीक है चलो दिस इज ऑल टूगेदर डन ये

दिस थिंग इज ऑल टूगेदर डन अभी दिस इज योर थ्री ए अभी थ्री बी पर चलते हैं ये वाला जो क्वेश्चन था प्रोसेस कॉस्टिंग का था प्रोसेस कॉस्टिंग है ना हम लोगों ने तो इक्वालेंट प्रोडक्शन ये कुछ वो सब कुछ किया हुआ है यह जो क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर दिस वॉज लाइक योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग जहाँ पे इक्वालेंट आउटपुट वगैरह था ही नहीं जहाँ पे आप लोग नॉर्मल कॉस्ट निकालो और उसी से कैलकुलेशन कर लेना लेट स्टार्ट टू डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन N Limited produces a product which passes through two processes process 1 and process 2. The company has provided the following information for the financial year 21-22 process 1, process 2. रॉ मटेरियल एट द रेट ऑफ सिक्सटी फाइव पर यूनिट तो ये इनपुट किया प्रोसेस वन के ना सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड डायरेक्ट बीजिस इतना डायरेक्ट एक्सपेंसिस थर्टी परसेंट ऑफ दिस तो ये वन लाइफ फोर्टी है उसका थर्टी परसेंट फोर्टी टू थाउजेंड आ जाएगा मैनुफेक्चरिंग ओवर एड्ड ट्वेंटी वन थाउजें फाइव हंड्रेड रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप फोर हंड्रेड नॉर्मल लॉस टू फिफ्टी डायरेक्टली दिया हुआ है ट्रांसफर टू प्रोसेस टू जो है दैट इज सिक्स थाउजेंड ठीक है

प्रोसेस वन के ना इनपुट इतना किया था 6500 नॉर्मल लॉस जो था कितने का था 250 तो एक्सपेक्टेड आउटपुट 6250 होना चाहिए था लेकिन एक्चुअल आउटपुट 6000 था तो 250 का एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा ठीक है अच्छा एक्चुअल आउटपुट ओवर हियर विल बिकम एक्चुअल इनपुट ओवर हियर इसके ऐसे पांच का नॉर्मल लॉस तो एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना था फाइव एक्चुअल आउटपुट भी कितना था फाइव तो नो एब लॉस नो एबनॉर्मल गेन ठीक है तो ये तुम्हारा एक्चुअल आउटपुट है ऑफ प्रोसेस टू जो फिनिश गुड्स बन जाएगा ठीक है लेकिन 5,500 के अंदर से बेटा यूनिट्स कितना बिक गया 5,000 तो बाकी 500 सौ विल बी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बाकी विल बी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो गुड्स पूरे के पूरे बन गए लेकिन बिके नहीं उसको हम लोग फिनिश गुड्स का स्टॉक ही बोलते हैं आगे देर वॉज नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू ठीक है लेकिन यहां रखना फिनिश गुड्स का स्टॉक था जो क्लोजिंग स्टॉक वो फाइव हंड्रेड इंडिया टू प्रिपेयर प्रोसेस वन प्रोसेस टू एंड फिनिश स्टॉक अकाउंट इसे ईजी कुछ हो नहीं सकता है ओके okay, सुनो मेरी बात सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड इंटू सिक्सटी फाइव प्रोसेस वन अकाउंट के अंदर मैंने ये वाला चीज सबसे पहले रिकॉर्ड किया सिक्सटी फाइव हंड्रेड एट द रेट ऑफ सिक्सटी फाइव ठीक है उसके बाद ये रिकॉर्ड किया ये रिकॉर्ड किया ये रिकॉर्ड किया ठीक है मेरे ख्याल से डब्ल्यू आई पी अकाउंट के ना मैक्सिम चार चीज़ें ही आती हैं बेटा डायरेक्ट मटीरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसिस फैक्ट्री ओवर सब रिकॉर्ड हो गया उसके बाद क्रेडिट साइड पर क्या रिकॉर्ड करते हैं नॉर्मल लॉस कितने का टू फिफ्टी वैल्यूड एट द रेट ऑफ फोर दर इज स्क्रैप सो टू फिफ्टी एट द रेट ऑफ फोर कितना आ जाएगा वन थाउजेंड ठीक है फिर उसके बाद पहले मैंने जाकर जैसे क्लासरूम के अंदर करता हूँ पहले नॉर्मल कॉस्ट निकाला नॉर्मल कॉस्ट कैसे मिलता है डी एम प्लस डी एल प्लस डी प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स लेस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डि एक्सपेक्टेड आउटपुट तो सारे के सारे कॉस्ट ये जो थे वो टोटल मारे इधर लेस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस वो किया डिवाइड बाई एक्सपेक्टेड आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट कैसे मिलता है दिस फिगर माइनस दिस पर्टिकुलर फिगर तो सिक्स टू फाइव जीरो तो यहाँ पे नॉर्मल कॉस्ट आ गया हंड्रेड ठीक है तो so, जो हम लोग प्रोसेस टू को ट्रांसफर करेंगे दैट विल ऑल्सो बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ रुपीज हंड्रेड और जो तुम्हारा एबनॉर्मल लॉस हुआ ढाई सौ यूनिट का दैट विल ऑल्सो वी वैल्यूड एट रुपीज हंड्रेड तो ये तुम्हारा जो पार्ट है खत्म हो गया ठीक है दिस वॉज योर प्रोसेस वन एज सच अभी हम लोगों ने क्या किया प्रोसेस टू का भी अकाउंट बनाने का था प्रोसेस टू का जब ये अकाउंट बनाने का था प्रोसेस टू के लिए बेटा स्टार्टिंग पॉइंट विल भी प्रोसेस वन ना तो ये दोनों चीजें हम लोगों ने इधर घुसा दी पहले तो दिस विल बी योर पी वन मटीरियल फिर उसके बाद जो तुम्हारे यहाँ के खर्चे थे डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसिस फैक्ट्री ओवर हैड्स मैंने सब इधर कॉपी पेस्ट किया वन टू एंड थ्री तो उसके बाद क्रेडिट साइड पे सबसे पहले चीज़ क्या रिकॉर्ड करते हैं नॉर्मल लॉस तो नॉर्मल लॉस जो था कितने यूनिट्स का था 500 हंड्रेड एट द रेट ऑफ सिक्सटीन सो दे फोर फाइव हंड्रेड एट द रेट ऑफ सिक्सटीन कितना आ जाएगा एट उसके बाद सबसे पहले जाकर क्या रिकॉर्ड करेंगे आप लोग सबसे पहले हम लोग जाकर क्या रिकॉर्ड करेंगे आ, क्या कंप्यूट करेंगे नॉर्मल कॉस्ट तो नॉर्मल कॉस्ट जो था वो कैसे आता है डीएम प्लस डीएल प्लस जीई प्लस फैक्ट्री वाले लेस स्क्रैप वाली ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइड बाई एक्सपेक्टेड आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट विल भी दिस माइनस दिस तो यह अपना जो आंसर है कितना आ गया वन फोर्टी फोर तो प्रोसेस टू विल ट्रांसफर द गुड्स टू फिनिश गुड्स यहाँ पे बाई फिनिश गुड्स आना चाहिए एट द रेट ऑफ रुपीज वन फोर्टी फोर तो फिफ्टी फाइव हंड्रेड आ जाएगा बस तो फिफ्टी फाइव हंड्रेड इन टू वन फोर्टी फोर दिस विल बी ऑर सेवन लैकटी टू थाउजेंड दिस इज द अमाउंट

सो एट द रेट ऑफ इन दिस केस वन वन फोर्टी फोर बाकी जो है पांच सौ यूनिट्स विल बी और क्लोजिंग स्टॉक अगेन विल बी वैल्यूड एट वन फोर्टी फोर ओनली तो ये वाला जो तुम्हारा आंसर है सेवेंटी टू थाउजेंड आ जाएगा बस अपने को थ्री अकाउंट्स में बोला था विद दैट योर दिस जॉब इज डन ठीक है चलिए तो दिस फिगर इज दिस क्वेश्चन इज ऑल टूगेदर डन ये इजी क्वेश्चन था पता नहीं कितने मार्क्स के लिए था टेन मार्क्स के लिए था बट क्वाइट अ गिफ्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट लाइक ऑलवेज ठीक है चलिए ये हो गया तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन ठीक है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिस वाज ऑल अबाउट सीवीपी एनालिसिस लेकिन अबाउट लिमिटिंग फैक्टर्स लिमिटिंग फैक्टर्स हम लोगों ने दो क्वेश्चन किए थे काफी अच्छे क्वेश्चन किए थे ये उनसे थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है इनफैक्ट तो लेट्स स्टार्ट एन एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनी हैविंग

मतलब एक हेक्टेयर के ना इतना के जीज ग्रो हो सकता है और ये सेलिंग प्राइस पर के जी है ठीक है द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ डिफरेंट क्रॉप आर गिवन बिलो ऑल द फिगर्स आर इन रुपीज पर के जी तो वेरिएबल कॉस्ट के अंदर लेबर चार्जेस दिया हुआ है हर एक का पैकिंग मटेरियल दिया हुआ है अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस एक काम मैं कर लेता हूँ और तो बाद में आंसर के अंदर अलग अलग ही दिखाऊंगा लेकिन वो अभी के लिए एट टू और फोर टोटल फोर्टीन का वेरिएबल कॉस्ट थर्टीन का वेरिएबल कॉस्ट वन ट्वेंटी वन फिफ्टी का वेरिएबल कॉस्ट ठीक है सुनो सेलिंग प्राइस ऊपर है सब ट्रैक करके कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा 20 माइनस फोर्टीन सिक्स फोर्टी माइनस थर्टीन ट्वेंटी सेवन टू माइनस वन तो कितना आ जाएगा 100 सो दिस इज वेरिएबल कॉस्ट पर के दिस इज कंट्रीब्यूशन पर के ठीक है चलो आगे द कंपनी हैज अ पॉलिसी टू प्रोड्यूस एंड सेल ऑल द काइंड ऊपर चला गया ऑल द काइंड ऑफ क्रॉप्स मिनिमम एरिया टू बी कल्टिवेट फॉर ईच क्रॉप इज तो इतना मिनिमम तो ग्रो करना ही है इतना हेक्टेयर तो अपने को देने का ही है लेकिन इससे ज्यादा आप नहीं दे सकते चलो ठीक है अभी अपने पास ना समके ना देखो शुरू में यहां पर क्या दिया हुआ था अपने पास कितना लैंड है बेटा टू हंड्रेड टेन हेक्टेयर टू हंड्रेड एंड टेन हेक्टेस वैसे तो अगर सोचोगे ना ऑल द क्रॉप्स आर प्रॉफिटेबल यार ऑल ऑफ देम गिव पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन तो सब कुछ ग्रो करने का है लेकिन ऑब्वियसली लैंड का कमी होएगा यार सिर्फ 210 एकड़ ही है मैक्सिमम अपने को कितना चाहिए 270 सेवेंटी एकर्स हम लोग 160, 50 और 60 को ऐड करेंगे तो 270 आता है तो अपने को लैंड इज अ लिमिटिंग फैक्टर लैंड इज मेजर्ड इन हेक्टेस नो सो वी शुड ट्राई टू गिव रैंक्स बेस्ड अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर हेक्टेयर ऑफ लैंड ये वाला क्वेश्चन लिमिटिंग फैक्टर के बारे में है अगर मशीन आर्ट्स की कमी होती है तो आप लोग रैंक्स कैसे देते हो कॉन्ट्रीब्यूशन पर मशीन आर लेबर आर की कमी है तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर लेबर आर अगर रॉ मटेरियल्स की कमी है इनकी जी तो यू गिव रैंक्स बेस्ड अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर के जी यहां पर किस चीज की कमी है यहां पर कमी है लैंड की सो यू गिव रैंकिंग बेस्ड अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर हेक्टेयर आगे ना क्वेश्चन ने तुम लोग को बोला दिमाग मत यूज करो डायरेक्टली उन लोगों ने ये वाला चीज बोल दिया नहीं भी बोलते तो भी तुमको यही करना चाहिए था रैंक द क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन पर हेक्टेयर दिस इज वेरी इजी जॉब आपको कॉन्ट्रीब्यूशन पर हेक्टेयर चाहिए ना देख तेरे पास कॉन्ट्रीब्यूशन पर के तो आ गया तो क्या कर सकते हो मल्टीप्लाइड बाई के पर हेक्टेयर विल डायरेक्टली गिव यू इन दिस पर्टिकुलर केस कॉन्ट्रीब्यूशन पर हेक्टेयर मैंने आंसर के अंदर बिल्कुल ये वाला चीज किया हुआ है एक बार जरा आंसर जो है वो देख लेते हैं देखो पहले यहाँ पे वही वाला कॉन्ट्रीब्यूशन पर के जी जो मैंने कंप्यूट करके दिया इन टू के जीज पर हेक्टेयर वो ये वाला चीज उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन पर हेक्टेयर आ गया अभी कॉन्ट्रीब्यूशन पर हेक्टेयर के हिसाब से सबने क्या बोला रैंक निकाल के दे दो तो चलो ठीक है तो सबसे ज्यादा जो है इसका है रैंक वन दे दिया सेकेंड जो है वो इसका है वो इसको दे दिया लास्ट टेन थाउजेंड सबसे कम है तो उसको रैंक थ्री दे दिया हम लोगों ने मेरे ख्याल से लिमिटिंग फैक्टर्स के क्वेश्चन कुछ ऐसे ही सॉल्व करके रखे हुए हैं ठीक है चलो आगे ये था तुम्हारा पार्ट वन अभी पार्ट टू और पार्ट थ्री ना मेरे ख्याल से मैंने एक ही सॉल्व किया एक बार जरा वो देख लेते हैं डिटर्मिन द ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स कंसिडरिंग दैट ऑल थ्री सीरियल्स आर टू बी प्रोड्यूस ठीक है

रैंक टू रैंक वन रैंक थ्री ठीक है देखो जो मिनिमम एरिया देना ही है जो क्वेश्चन के अंदर ही लिखा हुआ है भाई इतना एरिया तो जबरदस्ती दो ये तो पॉलिसी है ये तो करने का ही है तो मैंने उतना जो एरिया है ना 140 और 10 जो है वो तो मैंने यहां पर एलोकेट कर ही दिया बात खत्म 150 हेक्टेयर तो चला गया तो 210 हंड्रेड था कितना बच गया बेटा सिक्सटी सिक्सटी को रैंक के हिसाब से डालो रैंक वन कौन सा है राइस है ना तो राइस का जरा देखो ऑलरेडी फोर्टी हेक्टर्स दे दिया है मैक्सिमम कितना दे सकते हैं फिफ्टी तो और कितना दे सकते हैं मतलब टेन ना तो यहां पे मैंने टेन दे दिया ठीक है फिर सिक्सटी के अंदर से टेन दे दिया तो कितना बच गया था फिफ्टी अभी जरा देखो वीट को और फिफ्टी दे सकते हैं वीट पर क्यों आ रहा हूं क्योंकि वो सेकेंड रैंक क्रॉप है तो वीट को हंड्रेड दिया हुआ है सिक्सटी और दे सकते हैं मेरे को तो फिफ्टी देने का यार तो बस फिफ्टी यहां पर वो दे दिया जॉब इज डन वंस आई हैव डन दिस पॉट फिर उसके बाद यहां पर हम लोगों ने क्या किया ये सब चीजें और इनका टोटल मारा दैट विल गिव यू दिस वंस यू ऑल डू दिस पर्टिकुलर थिंग बस इन टू कॉन्ट्रीब्यूशन पर हेक्टेयर दिस इज द टोटल एरिया नो मल्टीप्लाई बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर हेक्टेयर दिस विल गिव यू द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन दिस विल गिव यू द फाइनल टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल द थ्री क्रॉप्स माइनस फिक्स कॉस्ट तो यहाँ पे प्रॉफिट आ गया इससे ना तुम्हारा पार्ट टू का भी काम हो गया पार्ट थ्री का भी जरा देख लेना कैलकुलेट द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट विल भी अचीव इफ द टोटल फिक्स कॉस्ट इज ट्वेंटी वन लैक फोर्टी फाइव थाउजेंड तो मैंने फिक्स कॉस्ट अपट्रैक्ट करके प्रॉफिट भी निकाल दिया यही वाला स्टेटमेंट एक बार मैंने टाइम पास के लिए तो फिर से भी बनाया हाइएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो ट्वेंटी फाइव लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड था लेस फिक्स कॉस्ट विल बी गिविंग यू ऑल प्रॉफिट सेम थिंग आईव प्रिंटेड जस्ट वंस बिलो ऑल्सो ठीक है और कुछ नहीं क्योंकि सम को अलग से यहाँ पर प्रॉफिट वगैरह चाहिए था ठीक है चलो दिस थिंग इज ऑल टुगेदर डन अभी ये हो गया तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन अभी उसके बाद पार्ट बी पार्ट बी जो है अभी ये वाला जो क्वेश्चन है हम लोगों ने कॉशीट के ना ऐसा लास्ट क्वेश्चन किया था जहां पे एक्सपेंसेस आर गिवन कम्बाइंड और अपने को ना कुछ ना कुछ रेशोज वगैरह दिया जाता है आप लोग कॉशीट जो है वो अलग अलग बनाओ बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इनफैक्ट फार मोर इजियर होनी पढ़ो पी एन एम ई लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टू टाइप्स ऑफ मास्क डिस्पोजेबल मास्क एंड क्लॉथ मास्क

रेट फॉर बोथ द टाइप ऑफ मास्क आगे एडवेन ओवर एज वॉज फिफ्टी परसेंट ऑफ प्रोडक्शन सेलिंग कॉस्ट वॉज रुपीज टू पर क्लॉथ मास्क सेलिंग प्राइस वॉज थर्टी फाइव फॉर क्लॉथ मास्क कई डेटा ना सिर्फ क्लॉथ मास्क के लिए ही दिया हुआ है तुमको तो रीजन दो मिनट में पता चल जाएगा नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ क्लॉथ मास्क सोल्ड आर फोर्टी फाइव थाउजेंड ठीक है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस क्लॉथ मास्क का फिफ्टी थाउजेंड बनाया था फॉर्टी फाइव थाउजेंड बीच तो क्लोजिंग स्टॉक जिसे मैंने पेपर लिया उसने लिख के भी रखा हुआ जो closing stock है, है। mask, cost, okay. जो क्लोजिंग स्टॉक है फाइव थाउजेंड ठीक है डिस्पोजेबल मास्क वन लाख फिफ्टी यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉर क्लॉथ मास्क शोइंग कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल कॉस्ट ओके प्रॉफिट पर यूनिट एंड टोटल प्रॉफिट चलो ठीक है अपनी कॉस्ट शीट के क्या मेरे ख्याल से ये सब कुछ तो आई जाएगा तो सुनो इसके अंदर ना बस एक ही चीज़ है हाउ यू ट्राई टू डिवाइड द एक्सपेंसेस बाकी तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट यू ऑल विल फॉलो एंड देन द जॉब इन एनी केस विल बी डन ओनली यार ठीक है तो सुनो मेरी बात देखो अभी कॉस्ट शीट फॉर द क्लॉथ मास्क ठीक है कॉस्ट शीट फॉर द क्लॉथ मास्क क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड फिफ्टी थाउजेंड था कितना बेचा फोर्टी फाइव तो यहाँ पे क्वांटिटी सोल्ड जो है वो कितने का सॉरी जो क्लोजिंग uh, स्टॉक है कितने का आ जाएगा फाइव थाउजेंड तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स फाइव थाउजेंड इंड का था ठीक है आपको कॉस्टशीट है किसके लिए बेटा क्लॉथ मास्क तो आप लोग एक्सपेंसेस इकट्ठे करो ओनली फॉर क्लॉथ मास्क ठीक है अभी वो कैसे इकट्ठे करेंगे तो सुनो अभी सेम चीज बोल रहा हूं जो क्लासरूम के अंदर उन क्वेश्चंस के ना बोला था ये तो टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है ट्वेल्व लाख फिफ्टी थाउजेंड का ठीक है हम लोग दो टाइप ऑफ मास्क बनाते हैं कौन सा दो टाइप बेटा डिस्पोजेबल मास्क लिखता हूं और क्लॉथ मास्क लिखता हूं एक सेकेंड पहले क्लॉथ मास्क लिखता हूं दैल बी बेटर क्योंकि अपने को उसी का आंसर चाहिए और एक डिस्पोजेबल मास्क ठीक है ये जो ट्वेल्व लाख फिफ्टी थाउजेंड है ना दिस इज नथिंग बट टोटल मटेरियल कॉस्ट ठीक है दिस इज टोटल डीएम कॉस्ट कितने रुपीज का ट्वेल्व लाख फिफ्टी ये वाला कॉस्ट कैसे कंप्यूट हुआ रहेगा हम लोगों ने डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट लिया रहेगा डायरेक्ट मटेरियल इज डिपेंडेंट अपॉन क्वांटिटी प्रोड्यूस क्वांटिटी प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई किया रहेगा बस द जॉब गेट्स ओवर विथ दिस ओनली तो अभी जरा देखो अपने को तो रेशोस चाहिए क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इज फिफ्टी थाउजेंड एंड वन लाख फिफ्टी फिफ्टी थाउजेंड एंड वन लैक फिफ्टी वन इज टू थ्री ठीक है जॉब गेट्स ओवर विद दैट अभी डायरेक्ट मटेरियल के लिए देखो यहां पर क्या दिया हुआ है देखो एक लाइन है डायरेक्ट मटेरियल ऑफ क्लॉथ मास्क वॉज ट्वाइस एज मच एज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ डिस्पोजेबल मास्क मैं तो एक और चीज़ भी बोला था क्लासरूम के अंदर जो यहाँ पे दिया हुआ है ये पर यूनिट नहीं भी होता तो भी इसको पर यूनिटी इमेजिन करने का क्योंकि ये डायरेक्ट कॉस्ट है डायरेक्ट कॉस्ट तो पर यूनिट ही होता है क्लॉथ के अंदर डबल मटेरियल लगता है एज कम्पेयर टू दिस तो बेटा तेरा पर यूनिट वाला जो रेशो है कितना हो जाएगा टू इज टू वन बस तो तेरा फाइनल रेशियो कितना हो जाएगा टू इज टू थ्री वंस यू गेट टू इज टू थ्री ट्वेल्व लाख फिफ्टी थाउजेंड को टू इज टू थ्री के ना डिवाइड कर देना तो ट्वेल्व लाख फिफ्टी थाउजेंड इंटू टू डिडेड बाई फाइव इतना क्लॉथ मास्क के लिए आ जाएगा फाइव लाख मैंने मेरे आंसर के ना देखो यहां पे फाइव लाख रुपीज ही लिखा हुआ है डिवाइड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस कर लेना आंसर आ जाएगा ठीक है सेम काइंड ऑफ वर्किंग नोट्स वी आर गोइंग टू बी मेकिंग फॉर ऑल ऑफ देम ठीक है अभी डायरेक्ट लेबर के लिए तो यहां पे फिर डायरेक्ट लेबर के लिए बात वो कर लेता हूं तो डायरेक्ट लेबर टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट अच्छा देखो डायरेक्ट लेबर इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन क्वांटिटी प्रोड्यूस लेकिन यहां पे देखो डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट फॉर डिस्पोजेबल मास्क व सिक्सटी परसेंट ऑफ दोज ऑफ क्लॉथ मास्क तो चलो ठीक है तो अगर ये जो था ये जो था अगर वो 100 था डिस्पोजेबल मास्क का मा जो था वो 60 था तो 100 इज टू वन एट्टी नो तो बस सेवन लाख रुपीज इज नथिंग बट योर टोटल कॉस्ट सेवन लैक्स एक सेकेंड किसी को अगर नहीं स्ट्राइक वो हो रहा है तो बेटा ये टोटल वेजेस है टोटल वेजेस कैसे मिला रहेगा हम लोगों ने डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट लिया रहेगा और उसको मल्टीप्लाई किया रहेगा क्वांटिटी प्रोड्यूस से तुम लोग उनकी रेशोज ले लो ठीक है तो बस वो मल्टीप्लाई करके फाइनल रेशो आ जाएगी डिवाइड द थिंग्स इन दैट रेशियो सो सेवन लैक्स इन हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू तो ये आ जाएगा टू लैख फिफ्टी थाउजेंड फॉर क्लॉथ मास्क मैंने आंसर के ना देखो यहाँ पे टू लैख फिफ्टी थाउजेंड ही लिया रहेगा आगे प्रोडक्शन ओवर एड्स फोर लैक्स एक सेकेंड प्रोडक्शन ओवरहेड्स के लिए देखो नीचे क्या लैंड दिया हुआ है प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट वॉज सेम फॉर बोथ द टाइप ऑफ मास्क तो उसका पर यूनिट रेशियो जो था ना प्रोडक्शन ओवर एड्स पर यूनिट वॉज सेम तो पर यूनिट रेशियो वन इज टू वन था बेटा तो एक सेकेंड अभी यहां पर प्रोडक्शन ओवर एड्स ओवरहेड्स के लिए उन लोगों ने बोल दिया है कि वो पर यूनिट का ही रेशो है और वो पर यूनिट रेशो जो है ना बेटा वो सेम रेशो है ठीक है अगर वो सेम रेशो है तो मतलब ये रेशो क्या हो जाएगा वन इज टू वन इन टू क्वांटिटी प्रोड्यूस प्रोडक्शन ओवरेज और ऑल्सो डिपेंड अपॉन क्वान्टिटी प्रोड्यूस ओनी तो बस दिस विल गिव यू टोटल ओवरेज सो वन इज टू थ्री रेशियो के अंदर तो फोर लैक्स को वन इज टू थ्री के नर डिवाइड कर लेंगे तो क्लॉथ वहां को कितना मिल जाएगा वन लैख ना बस आई थिंक द जॉब विल बी ओवर विद दैट वन लैख ठीक है उसके बाद देखो एडमिन के लिए तो लाइन ही दिया हुआ है आप लोगों को एडमिन ओवरेज देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है

एक बार ये वाला काम कर लिया सी आ गया पर यूनिट 18 है क्लोजिंग स्टॉक कितना यूनिट्स का है 5000 थाउजेंड so सो 18 इंटू फाइव विल मेक इट कितना 90000 थाउजेंड सी आ जाएगा एट लाख टेन का उसके बाद जरा देखो एस वाला खर्चा यहाँ पे है टू पर क्लॉथ मास्क तो यहाँ पे टू आ जाएगा लेकिन एस एन डी इज डिपेंडेड अपॉन क्वांटिटी सोल्ड नो दैट वॉज फोर्टी फाइव थाउजेंड बेटा सो इन दिस केस नाइन्टी थाउजेंड ठीक है एक बार ये कर लिया कॉस्ट ऑफ सेल्स उसके बाद ज़रा देख लो क्लॉथ मास्क का जो सेलिंग प्राइस है ना वो दिया हुआ है थर्टी फाइव थर्टी फाइव इन टू फोर्टी फाइव थाउजेंडर्टी फाइव इन टू फोर्टी फाइव थाउजेंड जो तुम्हारा सेल्स है, है? चल तो यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट भी आ गया टोटल कॉस्ट भी आ गया प्रॉफिट पर यूनिट भी आ गया टोटल प्रॉफिट भी आ गया मेरे ख्याल से ये चार चीजें विल बी गेटिंग आर आंसर ठीक है चल ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन था टेन यार हाई मार्क्स फॉर दिस ऑल्सो चलिए फाइनली क्वेश्चन नंबर फाइव अच्छा जो थियरी क्वेश्चनस हैं ना इन माई नोट्स यूल बी गटिंग द थियरी क्वेश्चन कल इस ठीक है इज नो पॉइंट इन डिस्कसिंग इज्ज क्वाइट ईजी एक्चुअली ठीक है तो दैट थिंग यू ऑल सी फ्रॉम द पी डी एफ दैट आई विल बी गिविंग यू मैसेज मी ऑन टेलीग्राम आई डी एट द रेट एजेनेक्स यूल बी गेटिंग द क्वेश्चन पेपर यू विल बी गेटिंग दिस आंसर पेपर ऑल्सो ठीक है सो ऑन टेलीग्राम प्लीज मैसेज आर आई डीज एट द रेट एजेक्स इन एनी केस आर बी गिविंग द डिस्क्रिप्शन बिलो ऑल्सो ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव से स्टार्ट करते हैं वाई लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट एम विच रिक्वायर्स थ्री टाइप्स ऑफ रॉ मटीरियल ए बी एन सी

मटीरियल कॉस्ट वराइंस ठीक है एक सेकेंड एक्चुअल के अंदर इतना आउटपुट आया एक्चुअल के अंदर इतना 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 मटीरियल लगा उसके बाद दिस वॉज एक्चुअल रेट्स ठीक है ये एक्चुअल क्वांटिटी है ये एक्चुअल रेट है कंप्यूट क्या करना है मटीरियल कॉस्ट वराइंस ठीक है मटीरियल प्राइस वराइंस फॉर ईच रॉ मटीरियल एंड एम एम का विल बी टोटल ऑफ ऑल द थ्री रॉ मटेरियल्स मटीरियल यूसेज वराइंस फॉर ईच रॉ मटेरियल एंड एम मटीरियल यील्ड वराइंस

जीज ऑफ आउटपुट काउजेंड तो गिमेन थाउजेंड केजी लेकिन रिवाइज स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा फॉर ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है तो देखो मैंने सोल्यूशन के अंदर एक्जैक्टली वही वाला काम किया है दिस इज टू सच ओके सुनो दिस ऑज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टू इजी सुनो तो गिवन स्टैंडर्ड 1000 थाउजेंड के के लिए आई हैव कॉपी पेस्टेड ठीक है ए बी एन सी मैंने कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है उधर से एक्चुअल आउटपुट इज 20000 थाउजेंड मैंने टेक्स्ट बुक के अंदर से कॉपी करके वो रख दिया बेटा ये सारा का सारा ये एक्चुअल डेटा है तेरा ठीक है तो इलेवन थाउजेंड एट द रेट ऑफ ट्वेंटी थ्री फिर उसके बाद सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एट द रेट ऑफ फोर्टी एट फिर उसके बाद फोर्टी फाइव हंड्रेड एट द रेट ऑफ सिक्सटी तो ये तुम्हारा एक्चुअल डेटा है ठीक है नाउ दिस इज अ गिवन स्टैंडर्ड यहाँ पे लाइन्स वगैरह बना लेना तो अपने हिसाब से हाँ तो दिस इज अ गिवन स्टैंडर्ड फॉर वन थाउजेंड केजीज प्लीज रिवाइज इट फॉर ट्वेंटी थाउजेंड तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना वन थाउजेंड के लिए फाइव हंड्रेड ट्वेंटी थाउजेंड के लिए कितना तो टेन थाउजेंड सेवन थाउजेंड फाइव थाउजेंड जो है इन दिस केस ट्वेंटी टू थाउजेंड स्टैंडर्ड uh, रेट्स 25, 45 एंड 55 सेम रेट्स अगुंड टू बी ओवर हियर एंड दिस इज द अमाउंट ठीक है बस योर फॉर्मेट इज मेड उसके बाद वराइंस निकाल लेना वराइंसेस के अंदर सबसे पहले टोटल मटेरियल कॉस्ट वराइंस वो कैसे आता है स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट दिस माइनस दिस एक्चुअल खर्चा ज्यादा है फोर्टी एडवर्स आ जाएगा मटीरियल प्राइस वराइंस कैसे कंप्यूट होता है रेट्स क्या होना चाहिए था रेट्स क्या हो गया इनटू एक्चुअल क्वांटिटी दिस आर द एक्चुअल क्वांटिटी सो देयरफॉर फोर्टी फाइव फिफ्टी फाइव माइनस दिस दिस एंड दिस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी वो वाला चीज कंप्यूट करोगे ट्वेंटी थ्री थाउजेंड एडवर्स आ जाएगा ठीक है okay. फिर उसके बाद मटेरियल यूसेज मटेरियल यूसेज जो है क्वांटिटी uh, कितना कितना यूज करना चाहिए था क्वांटिटी कितना कितना यूज किया इनटू स्टैंडर्ड रेट ठीक है बस ये वाला चीज कंप्यूट करोगे अगर एक्चुअल कंजम्पशन ज्यादा है बरायंस इज गोइंग टू बी एडवर्स ओवर हियर ठीक है तो आंसर ट्वेंटी थाउजेंड एडवर्स एक छोटा सा चेक तुम्हारी रेफरेंस के लिए दिस वराइंस शुड टैली विद दिस एंड दिस अच्छा एक और वराइंस भी पूछा था लेकिन ना उधर ब्रेकअप नहीं पूछा मटेरियल यील्ड वराइन्स अगर ब्रेकअप नहीं पूछा है तो डायरेक्टली हम लोग ऐसे भी कर लेते हैं यील्ड वराइंस इज योर एफिशियंसी ठीक है एफिशियंसी कैसे कंपनी

चलिए दिस पार्ट इज ऑल टूगेदर डन अभी उसके बाद नेक्स्ट वाला अपना क्वेश्चन दिस इज रिकन्सिलेशन वाला क्वेश्चन ओके सुन ये जो रिकन्सिलेशन वाला क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड फॉलोज नॉन इंटीग्रल सिस्टम वैसे भी रिकन्सिलेशन नॉन इंटीग्रल सिस्टम के अंदर ही आता है फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी शो अ नेट प्रॉफिट ऑफ फाइव लैक फिफ्टी थाउजेंड फॉर द ईयर एंड डर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च ट्वेंटी टू द चीफ अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फाइनेंशियल एंड द कॉस्ट अकाउंट्स ठीक है सुनो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ना मैं अकाउंट बना लेता हूँ दैट विल बी फार बेटर तो क्या है वी विल बी एबल टू सॉल्व ऑल्सो ठीक है सुनो रिको जो है फाइनेंशियल प्रॉफिट इधर लिख लेते हैं कोई भी साइड पे लिख सकते हो यहाँ पे कॉस्टिंग प्रॉफिट लिख लेते हैं ठीक है फाइनेंशियल प्रॉफिट अपने को दे के रखा हुआ है एक सेकेंड अभी तक पूरा क्वेश्चन नहीं भी पड़ा बट आई एम ड्रॉइंग फ्यू थिंग्स ताकि इट इज़ फास्ट तो नेट प्रॉफिट फाइव लैक फिफ्टी थाउजेंड है ठीक है अच्छा अगर फाइनेंशियल प्रॉफिट इधर लिखा है तो यहाँ पे वो सारे रीजंस वो डालना जिसके वजह से फाइनेंशियल का प्रॉफिट बढ़ता है या कॉस्टिंग का कम होता है और यहाँ पे वो सारे रीजन डालना जिसकी वजह से कॉस्टिंग का प्रॉफिट बढ़ता है या फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम हो जाता है ठीक है अभी उसके बाद एक एक करके यहां पे वो करना स्टार्ट कर देते हैं लीगल चार्जेस प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट दिस विल बी एक्सपेंस ओनली इन फाइनेंशियल अगर कोई एक एक्सपेंस सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर आएगा तो फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट कम हो जाएगा ना तो यहां पे एक टाइटल दे सकते हो एक्सपेंसिज ओनली इन फाइनेंशियल ठीक है तो उसके अंदर सबसे पहले लीगल चार्जेस मैं हैंड राइटिंग ज़्यादा आई एम नॉट ट्राइंग टू बी कॉन्सेंट्रेटिंग जस्ट वॉन्ट टू फिनिश इट ऑफ फास्ट ठीक है आगे इन टेरिम डिविडेंट रिसीव रिसीव्ड क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स तो दिस इज इनकम ओनली इन फाइनेंशियल सो दे फोर इनकम ओनली इन फाइनेंशियल ठीक है तो दिस इज डिविडेंट रिसीव बेटा डिविडेंट रिसीव जो है कितने रुपीज का आया फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड ठीक है आगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसिज रिटर्न ऑफ इन फाइनेंशियल अकाउंट्स ये वाला एक्सपेंसिफ राइट ऑफ किया फाइनेंशियल अकाउंट्स के हैं। तो यहां पे हम राइटिंग प्रिलिमिनरी ट्वेंटी फाइव सेवन फिफ्टी ट्वेंटी फाइव सेवन फिफ्टी ठीक है उसके बाद ओवर रिकवरी ऑफ सेलिंग ओवर एस कॉस्टिंग तो हम लोगों ने कॉस्टिंग के अंदर ओवर रिकवरी ओवर रिकवरी तब होता है मतलब कॉस्टिंग के अंदर एक्सपेंस ज़्यादा चार्ज किया अगर कॉस्टिंग एक्सपेंस ज्यादा चार्ज किया तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे इलेवन थाउजेंड थ्री एट्टी तो इलेवन थाउजेंड थ्री एट्टी यू कैन राइट ऑन ओवर रिकवरी या ओवर एबजॉर्प्शन वॉट यू वॉन्ट यू विश टू बी राइटिंग लॉजिक फिर से बोलता हूं हम लोगों ने कॉस्टिंग एंड एक्सपेंस ज्यादा चार्ज किया अगर ज्यादा एक्सपेंस चार्ज करेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा ना कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम हो जाएगा तो क्रेडिट से ठीक है ओवर एब्जॉर्ब्शन ऑफ एस एन डी इन कॉस्टिंग ठीक है इलेवन थाउजेंड थ्री एट्टी चलिए आगे दिस थिंग इज ऑल्सो रन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट सो दिस विल बी इनकम ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट सो इनकम ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट्स एक मिनट यहां पे आपको वो टाइटल तो मैंने दिया हुआ है सॉरी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट कितने रुपीस का बेटा थर्टी थाउजेंड आगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्टिंग कॉस्टिंग क्लोजिंग स्टॉक कम लिखा अगर कम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक कम होता है तो प्रॉफिट कम हो जाता है सो प्रॉफिट कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम हो जाएगा इस साइड पे आ जाएगा तो यहां पे अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्टिंग कितने रुपीज का बेटा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ठीक है आगे ओवर रिकवरी ऑफ प्रोडक्शन ओवर हेट्स इन कॉस्टिंग आई थिंक ये सेम ही एडजस्टमेंट है बेटा जो इधर भी था सो ओवर रिकवरी ऑफ प्रोडक्शन ओवर एट्स टेन थाउजेंड टू हंड्रेड टेन थाउजेंड टू हंड्रेड वो ओवर रिकवरी मतलब ओवर हिट्स ऑप्शन प्रोडक्शन ओवर हेट्स इन कॉस्टिंग ठीक है टेन थाउजेंड टू हंड्रेड आगे इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स ओन इन फाइनेंशियल अकाउंट सो दिस शुड भी एक्सपेंस ओन इन फाइनेंशियल अकाउंट सो यहाँ पे डिबेंचर्स इंटरेस्ट डिबेंचर इंटरेस्ट बेटा कितने रुपीस का है फिफ्टी थाउजेंड ठीक है आई थिंक सारा अपना काम हो गया ठीक है फाइन द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट बाई प्रिपेयरिंग अ रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट अगर चाहो तो इसको स्टेटमेंट के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो ठीक है तो आपको कॉस्टिंग प्रॉफिट चाहिए दिस विल बी योर बैलेंसिंग फिगर इससे तुम्हारा जो काम है यहां पर खत्म हो जाएगा ठीक है तो दिस विल बी योर बैलेंसिंग फिगर एक बार आंसर जो है वो दिखा देता हूँ तो आंसर के अंदर आई थिंक बिल्कुल सेम ही चीज़ है जो अपन लोगों ने किया फ़ाइव लाख फिफ्टी फिफ्टीन टू फिफ्टी ट्वेंटी फाइव सेवन फिफ्टी और उसके बाद फिफ्टी थाउजेंड बराबर हाँ जी फोर लाख फिफ्टी उसके बाद थर्टी थाउजेंड उसके बाद इलेवन थ्री एट्टी टेन थाउजेंड टू हंड्रेड और उसके बाद ट्वेंटी फाइव थाउजेंड आई गेट दिस विल बी योर बैलेंसिंग फिगर इफ सम पीपल थिंक सर उन लोगों ने बोला स्टेटमेंट बनाओ तो बेटा मैंने ना इसी चीज़ को स्टेटमेंट के अंदर भी कन्वर्ट करके नीचे प्रिंट वो कर ही दिया तो स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे फाइनेंशियल प्रॉफिट एड ऑल दी थिंग्स लेस ऑल दी थिंग्स तो अपने को क्या मिल जाएगा कॉस्टिंग प्रॉफिट ठीक है सो दे फोर मैंने वो वाला स्टेटमेंट यहां पर बनाकर भी दिया हुआ है ठीक है दैट्स इट तुम्हारा ये वाला जो चीज़ है वो खत्म हो गया अपनी बुक के अंदर ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन ऑफ चैप्टर नंबर सेवन जो अपना कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम वाला जो चैप्टर है ठीक है चलिए दिस थिंग इज ऑल टुगेदर डन अभी उसके बाद अपना लास्ट मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल क्वेश्चन लास्ट अपना यह जॉइंट प्रोडक्ट्स बाय प्रोडक्ट्स का क्वेश्चन था पांच मार्क का डिट्टो सेम क्वेश्चन वी ऑल हैव डन इन क्लास आल्सो वैसे ए एस आर प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट एल एंड गेट्स अ बाय प्रोडक्ट एम ठीक है

जो आपका बाई प्रोडक्ट है इट विल बी ट्रीटेड लाइक स्क्रैप क्यों क्योंकि यहाँ पे रीजन दिया हुआ है उसका सेल वैल्यू इज रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द मेन प्रोडक्ट मतलब इट विल बी ट्रीटेड आज स्क्रैप ओनली आगे During the month of October 22, the company incurred joint production cost of फोर lakh rupees. ठीक है तो ये अपना joint cost था यहाँ पे joint cost को ना allocate करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्यों क्योंकि joint cost should be allocated among joint products. बेटा यहाँ पे A ही product है product L, क्योंकि M is not product, it is scrap for you. आगे ये हमारा last question था वैसे यहाँ in joint products by products का chapter. The main product L is on marketable एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट तो जो मेन प्रोडक्ट एल है ना स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर नहीं बिक सकता मतलब आगे जाकर प्रोसेस होगा उसके बाद बिकेगा दस इट हैज टू बी प्रोसेज फॉर द वही लिखा है डिटेल्स ऑफ द कंपनीज ऑपरेशन आर एस फॉलोज प्रोडक्ट एल जो मेन प्रोडक्ट है ये बाई प्रोडक्ट product है प्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है सेलिंग प्राइस दिया हुआ है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दिया हुआ यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट प्रॉफिट अर्न फ्रॉम प्रोडक्ट एल ठीक है तो कॉस्ट शीट बना लेंगे जब कॉस्टशीट बनाते हैं तो सबसे पहले ज्वाइंट कॉस्ट फोर लैक्स ठीक है उसके अंदर से सेल वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट लेस करेंगे दैट इज टू थाउजेंड इन सॉरी टू हंड्रेड इंटू फाइव तो फोर लैक्स माइनस वन थाउजेंड कितना बच गया नाइन लैख नाइन उसके बाद प्रोडक्ट एल का कॉस्ट शीट बन रहा हैं प्रोडक्ट एम का कॉस्टशीट ही नहीं बनेगा क्यों क्योंकि वो प्रोडक्ट ही नहीं है ठीक है अच्छा प्लस फॉर द प्रोसेसिंग कॉस्ट वन लाख वन थाउजेंड थ्री था। लैक uh... नाइन्टी प्लस वन लाख वन तो आपका टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा बेटा फाइव लैक्स यहाँ पे कोई एडमिन नहीं है यहाँ पे कोई एस नहीं है यहाँ पे कोई क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है सो देो दिस विल बी और फाइनल कॉस्ट ऑल्सो तो फाइनल कॉस्ट अपना पाँच लाख रुपए का होएगा उसके अंदर से सेल्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेल्स विल बी टेन थाउजेंड इंटू फोर्टी फाइव प्रोडक्ट एल के सेल्स की बात करेगा ना फोर लैख फिफ्टी तो लॉस आ जाएगा फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ का मैंने शायद सोल्यूशन के अंदर एक्जैक्टली सेम ही चीज़ दिया रहेगा तो रेफरेंस मैंने पहले वो दिया हुआ है क्वाटिटी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड टेन थाउजेंड क्योंकि ये दिस इज द कॉस्ट शीट ऑफ मेन प्रोडक्ट दैट इज प्रोडक्ट एल ठीक है तो सबसे पहले फोर लैक्स उसके ऐसे सेल वाले और बाई प्रोडक्ट जो है वो सब ट्रैक्ट कर दो थ्री लाख नाइनटी नाइन वन लैख वन थाउजेंड यही सीओ पी है यही सी ओ जी ए से यही कॉस्ट ऑफ सेल्स है क्योंकि यहाँ पे और कोई खर्चा ही नहीं है सेल्स फोर लैख फिफ्टी दैट इज टेन थाउजेंड इंटू फोर्टी फाइव ठीक है तो यहाँ पे लॉस आ जाएगा फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का ठीक है ये हो जाएगा तुम्हारा ये वाला पार्ट आगे सेलिंग प्राइसेस के जी ऑफ प्रोडक्ट एल इफ द कंपनी विशेज टू अर्न प्रॉफिट ऑफ वन लाख फ्रॉम द प्रोडक्शन वो लोग क्या बोलते हैं अभी सेलिंग प्राइस बताओ एल का क्या रखना चाहिए अगर कंपनी को वन लाख रुपीज़ का प्रॉफिट चाहिए तो क्या कर लेता हूं ये वाला कॉस्ट मैंने इधर कॉपी किया अपने को प्रॉफिट कितने का चाहिए वन लाख ,00 तो टोटल सेल्स वैल्यू कितने का चाहिए बेटा सिक्स लाख सिक्स लाख द सेल्स वैल्यू दैट यू वॉन्ट बाई प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग कितना यूनिट्स टेन थाउजेंड उसे डिवाइड कर लेना तो आप लोग को सिक्सटी रुपीज का सेलिंग प्राइस मिल जाएगा दैट्स इट ओके बस दिस इज वॉट एवर वॉज अ प्रैक्टिकल पार्ट अभी ये वाली जो चीजें हैं दि वर क्वाइट सिंपल ये बुक के अंदर से ही था ऑलमोस्ट इन द पी डी एफ दैट आई विल बी गिविंग तो इन एनी केस लाइक यू नो आई एल बी स्पेसिफाइंग द आंसर्स ऑफ दिस और द रेफरसेज ऑफ दिस ठीक है दिस Solving I have only done for those students who will be solving the paper themselves, want to be checking their answer, or Jin Loka exam khatam hua hai and those guys want like you know to find out whether in this case Hamaraju solution tha correct this is master suggested. So, in any case, like you know, this is all perfect. You all can try to see that how many marks you are going to be getting. All the best, guys, uh costing. इज अ वेरी इजी पेपर प्रोवाइडेड फ्यू थिंग्स यू ऑल डू अगर आप लोग का एग्जाम बाद में है तो सोल्व आर बुक कंप्लीटली क्लास वर्क दैट आई डू विद योर हेल्प होमवर्क दैट यू डू विद योर हेल्प अपार्ट फ्रॉम दैट वी गिव यू द रैकिंग ऑफ द क्वेश्चन ताकि टूवर्ड्स द एंडिंग यू कैन ओनली ट्राई टू डू द टू स्टार एंड थ्री स्टार क्वेश्चन समरी ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन इतना कर लेते हो उसके बाद आर टी पी नहीं भी करोगे इट इज़ फाइन इफ यूल बी डूइंग इट दैर इज आईसिंग ऑन द केक ओके एंड इनकेस लाइक यू नो तुमको कोई क्वेश्चन नहीं आया देन इन दैट केस क्वेश्चन नंबर सिक्स माइट हेल्प यू वन इट्स ऑलवेज बेटर टू बी सॉल्विंग ऑल द प्रैक्टिकल बिकॉज द इज नथिंग दैट हैज़ कम इन लास्ट टेन ईयर्स दैट हैज बीन बियॉन्ड आवर बुक्स ओके सो थैंक यू गाइज आई सी ऑल नेक्स्ट टाइम टेक केयर ओके एंड बाय